The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। देव भी जरूर आएगा अपना ब्रह्मास्त्र लेने। देव इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में जानता है और वो ये भी जानता है कि वो हमारे पास है। ब्रह्मास्त्र जीता जा चुका है लेकिन जंग अभी बाकी है। जब तक मेरे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करेंगे मुझे कोई नहीं मार सकता। तैयार हो जाओ ऐसी जंग लड़ने के लिए जो तुम्हारे बस के परे है। एक दूसरे का साथ देने कसम खाई। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी।
मूवी देखने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या ब्रह्मास्त्र ही सबसे ताकतवर अस्त्र है? तो इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक अस्त्र है जिसे ब्रह्माशिरा कहा जाता है, और ब्रह्मास्त्र इसके बाद आता है। ब्रह्माशिरा की अगर बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो पहली बार अश्वत्थामा ने गुस्से में चलाया था। तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल नहीं है, और हो सकता है कि ब्रह्माशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में दिखाया जाए, क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसकी पावर अब शिवा के अंदर है। हमें पता है कि मूवी के विलन को ब्रह्मास्त्र चाहिए, और अगर अयान मुखर्जी ने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी ब्रह्मशिरा के बारे में, तो ये मूवी के मेन विलन को ब्रह्मशिरा की ओर स्टैब्लिश करेंगे। पहले प्लान में पानी फिर गया तो क्या हुआ, दूसरा प्लान भी होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि देव मेन विलन है, क्योंकि देव का कैरेक्टर महादेव से इंस्पायर है, तो फिर देव को कैसे मेन विलन दिखाया जा सकता है? इसलिए विलन या तो गुरुजी निकलेंगे या फिर कोई और। अब ये ईशा होती है या कोई और, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 को देखने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या शाहरुख खान यानी मोहन भागवत और नागार्जुन यानी अनीश दोनों मर चुके हैं? तो जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें पार्ट 1 में दिखाए गए सभी कैरेक्टर के यंगर वर्जन देखने को मिलेंगे और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चलेगी। तो इसलिए ये बात पक्की है कि मोहन भागवत और अनीश हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे अपनी पास्ट स्टोरी के साथ। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद दो लोगों पर सबसे ज़्यादा शक हो रहा है, गुरुजी और ईशा। लेकिन अगर गुरुजी और ईशा दोनों ही विलन नहीं हुए तो कौन होगा? ये सवाल कई लोगों के मन में है। इसका जवाब है, जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तब उसी दौरान कास्टिंग की कुछ फोटोज भी लीक हुई थी। उन फोटो में आमिर खान नजर आ रहे थे, और इस वक्त आमिर खान की कोई बात भी नहीं कर रहा। हमने फोटो के अंदर मौजूद हर कैरेक्टर को पार्ट 1 में देखा है सिवाय आमिर खान के, और कई लोग का ये पता है कि देव का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेकिन आमिर खान के बारे में किसी को नहीं पता। तो हो सकता है कि वो विलेन हो। कलर्स का ना बहुत बड़ा रोल रहा है, और डायरेक्टर साहब ने इस पर काफी ध्यान दिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में कई फिल्मी क्रिटिक्स जानते ही होंगे, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम लोग अस्त्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद अग्नियास्त्र, जलअस्त्र, वायु अस्त्र, नंदी अस्त्र, माया अस्त्र, नागधनुष, कवच अस्त्र। सभी के कलर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये सारे अस्त्र देव की साइड पर आ जाते हैं तब सारे अस्त्रों का कलर चेंज होकर डार्क रेड बन जाता है, क्योंकि देव के पास अग्नि अस्त्र था और अग्नि अस्त्र का कलर रेड होता है, इसलिए सारे अस्त्र रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि तब देव का अग्नि अस्त्र सभी अस्त्रों पर भारी पड़ गया था और इसलिए सबका कलर चेंज हो गया। ऐसे ही क्लाइमेक्स में भी हुआ, जब ब्रह्मास्त्र का सारा टुकड़ा मिल गया और फिर सारे अस्त्रों का कलर चेंज होकर ब्रह्मास्त्र के रंग में रंग गया। यही नहीं, आसपास की सारी चीजों का भी ना रंग ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया था, क्योंकि पहले जैसे देव के साइड पर जाने से सारे के कलर रेड हो गए थे, वैसे ही अब वो ब्रह्मास्त्र के रंग में चेंज हो गए। तो ऐसे ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डायरेक्टर ने बड़ी चतुराई से हमें कलर ग्रेडिंग का इम्पोर्टेंस दिखाया है। इसके साथ ही हम सब ने ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा था कि देव बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसके पास सभी अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वो कभी भी इन अस्त्रों का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाया था, क्योंकि वो एक गुफा में कड़ा था। लेकिन वो गुफा में रहते हुए भी दूसरों के जरिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। जी हाँ, और ये बात हमें फिल्म में देखने के बाद पता चल जाती है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि हमें फिल्म रिलीज होने से पहले ही बता दिया गया था कि देव सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो ये बात अजीब लग रही होगी आपको, क्योंकि पार्ट 1 आकर चली गई और देव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मैं बोल रही हूँ ना कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसके बारे में हमें बता दिया गया था, तो देखिए नॉर्मली नहीं बताया गया था, लेकिन डिटेल के तरीके से जरूर बता दिया गया था, जिसे कई लोगों ने मिस कर दिया। देखो, जब ट्रेलर अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जहां देव एकदम स्वैग से चलकर आ रहा होता है, उनके सामने ना एक बहुत बड़ा चट्टान होता है जिसके ऊपर कई सारे अस्त्रों के प्रतीक होते हैं। पहले त्रिशूल, उसके बाद कवच अस्त्र, जिसका उपयोग फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अब उसी तरीके से बाकी सभी अस्त्र शस्त्र, या फिर वशीकरण अस्त्र हो या फिर कोई और हो, सभी अस्त्र चट्टानों पर दिखाई देते हैं। तो क्या आपने ये डिटेल्स नोट की थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रह्मास्त्र मूवी में एक सीन है जहां कहा जाता है कि जब ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई तो बहुत सारे अस्त्रों का जन्म हुआ था। लेकिन आप इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर एक अस्त्र दिखाया गया था जो टाइगर के फॉर्म में था, तो शायद
ये टाइगर अस्त्र हो सकता है जिसे पार्ट वन में दिखाया नहीं गया, जो हमें पार्ट टू में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, हम यहाँ पर एक और अस्त्र को नोटिस कर सकते हैं जो गरुड़ की तरह लग रहा है, जो हो सकता है कि गरुड़ अस्त्र हो। इसके अलावा हम भालू अस्त्र भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो तीनों अस्त्र है ना, मेरे ख्याल से वो हमें पार्ट टू में दिखाई देने वाले हैं। जब पार्ट वन की शुरुआत हुई थी ब्रह्मास्त्र की, तो लिख कर आया था पार्ट वन शिवा। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो टाइटल के लेफ्ट साइड में ब्लू कलर दिखाया गया था और राइट साइड में रेड कलर, और बीच में लिखा हुआ है पार्ट वन शिवा। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने बड़ी ही चतुराई से हमें फिल्म शुरू होने से पहले ही हिंट दे दिया था कि कौन है शिवा के माता पिता। ब्लू लाइट इंडिकेट करती है अमृता को, जो है जल देवी, तो वही रेड लाइट देव को इंडिकेट करती है। हमने इस रेड ब्लू लाइट के कॉम्बिनेशन को ना कई और जगह भी फिल्म के अंदर देखा है। ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से कुछ दिनों पहले ही इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, जी हाँ, जिसका नाम था LBM-3, जिसे ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया गया है एक छोटा सा मॉडल के रूप में, जो मोहन भागवत के घर पर दिखा था। तो इससे एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि LBM-3 की इन्वेंशन टीम में ना मोहन भागवत भी थे। जी हाँ, इसके साथ ही पार्ट वन का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और पीछे ना एक सवाल भी छोड़ गया था कि दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो पार्ट वन में हमें ये पता चला कि शिवा के माता पिता कौन है और वो कितने पावरफुल थे। उसके बाद हमें पता चला कि असली अग्नि अस्त्र कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता ही थे, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ब्रह्मास्त्र को पाना। साथ ही हमें ये भी पता चला कि जो शिवा की माता है यानी कि अमृता है, वो मर चुकी है जब उनके और देव के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था जिससे ब्रह्मास्त्र के तीन टुकड़े हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि शिवा की माँ को शिवा ने बचपन में ही आग से जलकर मरते हुए देखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि अमृता जल देवी थी। इनफैक्ट मौनी रॉय ने भी ना शिवा की आग को बारिश से बुझा दिया था, तो अमृता तो खुद ही एक जल देवी थी, तो वो आग से कैसे मर गई? तो उसका मतलब यही बनता है कि अमृता मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं रहा और देव भी जिंदा हो गया है। तो अब हमें पार्ट टू में ना अमृता और देव के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो दिखाई जा सकती है, और अगर वो लड़ाई नहीं देखने को मिलती है तो हमें देवा और शिवा की फाइट दिखाई देगी, क्योंकि शिवा के पास अल्टीमेट पावर आ चुकी है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के टाइटल में देव ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी का पहला पार्ट शिवा के नाम से है। इसमें दिखाया गया है कि शिवा अपनी शक्तियों के बारे में अनजान था और कैसे उसे इन शक्तियों का पता चला और उसने उन पर काबू पाया। पहली मूवी में हमें शिवा को एक आम आदमी से एक अस्त्र में बदलते हुए देखते हैं, जिसके कारण पहले मूवी के टाइटल में शिवा दिखता है। इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि पार्ट टू में हमें देव की कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें देव के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका स्टोरी लाइन क्या होगा? देखिए, अगर स्टोरी का अंदाजा लगाना है तो आप बाहुबली का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि बाहुबली के पहले पार्ट में उसके बेटे की कहानी दिखाई गई और दूसरे पार्ट में उसके पिता का पास्ट दिखाया गया, ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसके बाद हमें शायद थोड़ा सामरिक सीन भी दिखाया जाएगा, जहां देव बाहर आने के बाद अपने बेटे को देखकर मूवी में एबी फिर दूसरे दो कहानी समाप्त होगा। फिर तीसरे पार्ट में हमें देव अपने बेटे को मारकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते हुए दिखेंगे, या फिर उसे अपने बेटे की ओर उठाकर किसी अन्य को गुंडा बताएंगे। साथ ही चलिए देखते हैं कि क्या ऑडियंस ब्रह्मास्त्र पार्ट टू का इंतजार करेगी या नहीं। जैसे कि ऑडियंस ने बाहुबली 2 और KGF 2 के लिए इंतजार किया था और अभी पुष्पा के लिए कर रही है, क्या वे उसी स्तर पर इंतजार करेंगी या देखना होगा। देखो, इंतजार करने की वजह तो है और ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रदर्शन भी की थी, लेकिन अगर हम इसकी प्रदर्शन को KGF और बाहुबली से तुलना करें तो ब्रह्मास्त्र अभी भी पीछे है। लेकिन फिर भी कई सवाल है जिनके लिए हमें पार्ट टू का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कहानी बस शुरू हुई है। देखें, देव पहले कैसा था, फिर उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में कैसे पता चला, वो ब्रह्मास्त्र के पास कैसे आया, कैसे सारे अस्त्रों का उस्ताद बना, वो कैसे अमृता से मिला, आखिर में वो कैसे अंधकार की ओर चला गया, ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की, अपने प्यार अमृता से लड़ाई की, और आखिर में वो कैसे गुफा के अंदर कैद हो गया, क्या उस लड़ाई में अमृता मारी गई, और अगर मारी गई तो शिवा कैसे पैदा हुआ, और फिर उस लड़ाई में अमृता नहीं मरी तो वो जल के आग में बस में कैसे हुआ, उसके पास तो जल अस्त्र था नहीं,
ज्यादातर तो हमें देव की गुफा वाली मूर्ति में दिखता है जिसकी मदद से जुनून शिवा के ऊपर पानी बरसाती है, लेकिन यहाँ कैसे आया? क्या देव ने अमृता के पास जल अस्त्र छोड़कर चले गए? क्या, क्यों, कैसे, ये हजारों सवाल है जिन पर हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। खैर अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? हम फिर मिलेंगे, बाय। पानी की इस लड़ाई में आखिर कौन जीता था? देव इस तरह पत्थर कैसे बन गया? अमृता का क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ने के बाद अब किस तरह कहर पृथ्वी पर मचने वाला है? ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा में फैंस को इस तरह के कई सवालों के जवाब मिलना बाकी रह गए थे, जो कि वो पार्ट टू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था कि शिवा अपनी शक्ति को जानना शुरू कर देता है, तभी अंधेरे की रानी जुनून ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए वहां पर आक्रमण कर देती है। अब शिवा, ईशा और ब्रह्मास्त्र के सदस्य सब मिलकर कैसे ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करते हैं, इस सीन से कुछ एंशिएंट वॉरियर्स के प्रकट होने की भी एक्सपेक्टेशन है, जो जुनून के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र हासिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जुनून के किरदार में इस बार भी मोनी रॉय को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्ट्रेस मोनी रॉय सीरियल नागिन के बाद से विलन रोल के लिए खूब जानी जाती है और ब्रह्मास्त्र में अब तक जुनून को ही विलन माना गया है। हालांकि ये अभी तक एक मिस्ट्री है, इसका खुलासा कहानी के शायद पार्ट टू में कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव में अमृता का किरदार दीपिका पादुकोण प्ले करेंगी। रणवीर और दीपिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फिल्म ये जवानी है दीवानी में बहुत पसंद किया गया था। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म में भी उनकी लव केमिस्ट्री दिखाई जाती है या फिर नहीं। जैसा कि अंत में हमने जुनून नाम के एक बुरे व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र नामक किसी चीज के सभी हिस्सों को इकट्ठा करते हुए देखा, जिससे लोग वास्तव में डर गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र बेहद शक्तिशाली है और काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पार्ट टू में ब्रह्मांड की नई शक्तियों का पता चलेगा, जैसे कि जल अस्त्र, दैविक के साथ कुछ बुरी शक्तियां जो ब्रह्मांड के विनाश का काम करेगी, उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। पार्ट टू को सिनेमैटिक व्यू से और ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिल्म के टाइटल से ही पता चल रहा है कि कहानी देव की जिंदगी के रहस्यों और शक्तियों की होगी। देव जो ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना है, वहीं जुनून इसे हासिल करके विनाश करना चाहती है। और फैंस इन दोनों के मिलने और आपस में इनके कनेक्शन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। हो सकता है कि दोनों के मिलते ही बहुत बड़ी जंग हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों का लव एंगल दिखाया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या बाहुबली 2 से इंस्पायर्ड होगी ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ब्रह्मास्त्र ही सबसे ताकतवर अस्त्र है? इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र के ऊपर एक अस्त्र है जिसे ब्रह्माशिरा कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र इसके बाद आता है। ब्रह्माशिरा की अगर बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, जो पहली बार अश्वत्थामा ने गुस्से में चलाया था। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल नहीं है, और हो सकता है कि ब्रह्माशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में या फिर पार्ट 3 में दिखाया जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का कोई यूज तो रहा नहीं है, क्योंकि इसकी पावर अब शिवा के अंदर है। हमें पता है कि फिल्म के विलन को ब्रह्मास्त्र चाहिए, और अगर अयान मुखर्जी ने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी ब्रह्माशिरा के बारे में, तो ये मूवी के मेन विलन को ब्रह्माशिरा की ओर एस्टैब्लिश करेंगे। पहले प्लान पानी पर गया तो क्या हुआ, दूसरा प्लान भी तो होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि देव मेन विलन है, क्योंकि देव का कैरेक्टर महादेव से इंस्पायर्ड है, तो फिर देव को कैसे मेन विलन दिखाया जा सकता है? इसलिए विलन या तो गुरुजी निकलेंगे या फिर कोई और। अब वो ईशा होती है या फिर कोई और, ये देखने वाली बात होगी। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 को देखने के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है, वो ये है कि क्या शाहरुख खान यानी मोहन भागवत और नागार्जुन यानी कि अनीश दोनों मर चुके हैं? तो जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें पार्ट 1 में दिखाए गए सभी कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा और उनके यंगर वर्जन दिखाई देंगे और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी पता चलेगी। इसलिए ये बात पक्की है कि मोहन भागवत और अनीश हम पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे अपनी पास्ट स्टोरी के साथ। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद दो लोगों पर सबसे ज्यादा शक हो रहा था, गुरुजी और ईशा। लेकिन अगर गुरुजी और ईशा दोनों ही विलन नहीं हुए तो फिर कौन होगा? ये सवाल कई लोगों के मन में है। इसका जवाब है, जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तभी उसी दौरान ना कास्टिंग की कुछ फोटोज भी लीक हो गई थी। उन फोटोज में आमिर खान नजर आ रहे थे और इस वक्त आमिर खान की कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने फोटो के अंदर मौजूद हर कैरेक्टर को पार्ट 1 में देखा है सिवाय आमिर खान के, और कई लोगों को ये भी पता चला है कि देव का रोल कौन प्ले कर रहा है।
लेकिन आमिर खान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आमिर खान को मेन विलन के तौर पर कास्ट किया जाएगा और वो इस ट्रायलॉजी के लास्ट पार्ट में नजर आए। अब जाते जाते आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को 2-3 साल पहले बॉलीवुड में VFX कितना मैटर करता था ये तो नहीं पता, पर 2022 के बाद तो VFX का जाप नाम ही शुरू हो गया है, वो भी अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के कारण। अब अयान ने ब्रह्मास्त्र तो बना दिया और अब उनकी नजरें हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पर। वैसे ब्रह्मास्त्र 2 के लिए ना कंसेप्ट आर्ट बहुत टाइम पहले रिलीज किए गए थे ताकि ऑडियंस अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दे। तो उसमें से जो एक कंसेप्ट आर्ट था जिसमें देव घोड़े पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लेकर किसी बड़े राक्षस को मारने जा रहा है, उसे देखने के बाद हमें कल्कि अवतार की याद आई, जिस पर अभी प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD बन रही है। कल्कि भी इस तरह घोड़े पर सवार होकर कड़ी राक्षस को मारने निकला था जो अपनी बुरी शक्तियों से दुनिया को तबाह करना चाहता था। तो ये गुड वर्सेस एविल बैटल तो होगी ही, ऊपर से देव बुरी शक्तियों के उस मास्टरमाइंड को खत्म करना चाहता होगा जो ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है, बुरी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है बिल्कुल कली की तरह। इसका मतलब देव तब तक अच्छा था, पर जाहिर है कि देव ने उसे मारा नहीं होगा, उसका मिशन अधूरा रह गया होगा और तब देव को कैद कर लिया गया होगा। इसका मतलब ये कि देव विलन नहीं है बल्कि उसे विलन प्रेजेंट किया गया है, वो भी गुरुजी के कैरेक्टर ने किया है, मतलब कि अमिताभ बच्चन ने। ऐसा भी हो सकता है कि अमिताभ एविल शक्ति के साथ जुड़े हो और देव को रोकने के लिए उन्होंने उसे कैद कर लिया हो क्योंकि देव को कोई राज पता चल गया हो, पर जुनून ने वो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े जोड़कर देव को आजाद किया। तो अब देव गुरुजी से बदला लेने के लिए आ सकता है, पर इस बार वो करप्ट और लालची हो चुका है ब्रह्मास्त्र के चक्कर में। पर ऐसे में क्या पता गुरुजी खुद को बचाने के लिए शिवा को यानी कि देव के बेटे को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देंगे जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने शिवा को आधा अधूरा समझाया था देव अमृता को लेकर के, तो वो उतना ही शिवा को बता रहे होंगे जितना शायद उनके फायदे का हो। तो गुरुजी ये बैटल शक्ति से नहीं बल्कि अकल से जीतने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन करके शिवा को भड़का कर देव के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। उसे ये दिखा सकते हैं कि देव ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल करेगा जो कि देव करना चाहता है, पर उस आड़ में गुरुजी ही अपना मतलब छुपा ले। इस वजह से ब्रह्मास्त्र की पावर जो शिवा के अंदर है और देव जो ब्रह्मास्त्र चाहता है, इन दोनों के बीच उस ब्रह्मास्त्र के लिए बैटल हो जिसे बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं गुरुजी, और इसी से देव वर्सेस शिवा जंग शुरू हो जाए जो फिल्म का तीसरा पार्ट भी हो सकता है। अब ये तो हमारी थ्योरी हो गई, पर आपके क्या थॉट्स हैं इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र मूवी अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती है, इसके यूनिक डायलॉग्स को भी व्यूअर्स द्वारा बहुत पसंद किया गया था दोस्तों, लेकिन क्या आपने गौर फरमाया कि फिल्म में ईशा ने कितनी बार शिव का नाम लिया है, क्या है इसके पीछे की खास वजह? भाई राइटर एंड डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस बारे में खुद रणवीर और आलिया से सवाल किए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म में ईशा ने कुल 103 बार शिवा का नाम लिया था। अयान का कहना था कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो अपने पार्टनर का बार बार नाम सुनना और बोलना चाहता है। उन्होंने इसका एक और कारण बताते हुए कहा कि जब मैं बात करता हूँ तो लोगों का नाम काफी लेता हूँ और शायद यही चीज स्क्रिप्ट में भी बनी। इन्हीं कारणों से ईशा हर बार शिवा का नाम लेती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद अपनी वाइफ की लीड फॉलो करते हुए दोस्तों रणवीर ने उनकी हाईली क्रिटिसाइज्ड और हिट मूवी में पा 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 इतनी बार कहा कि इंटरनेट पर हर जगह पॉपुलर हो गए वो। और अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के रेफरेंस में कहा जा रहा है कि चूंकि इस मूवी में लीड कैरेक्टर देव का होगा तो क्या इसमें भी देव के नाम को बार बार रिपीट किया जाएगा? वैसे इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि राइटर इस बार भी दोस्तों अयान मुखर्जी ही होंगे। आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र की कहानी मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ साथ एक्शन और कैमियोज से भरपूर है। इस मूवी में कई जाने माने एक्टर एक्ट्रेसेस के कैमियोज दिखाए गए हैं। इसमें SRK और डिम्पल कपाड़िया भी शामिल है। दरअसल फिल्म में डिम्पल को सिर्फ 2.5 सेकंड्स के लिए दिखाया गया था। पार्ट 1 में उनका कोई खास रोल नहीं दिखाया गया लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसी वजह से फैन उनके रोल को लेकर काफी सवाल कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने इस बार दोस्तों कोई खास खुलासा तो नहीं किया है लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि लोग डिम्पल कपाड़िया को देखना पसंद करते हैं तभी उनके रोल को लेकर इतने क्यूरियस हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र की कहानी रहस्यों से भरी है, इसमें हर छोटी बड़ी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है, इसी वजह से पार्ट 1 में इन कैमियोस को दिखाया गया है। इनका पार्ट 2 और 3 से बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। अब इंतजार है तो बस अगले पार्ट को रिलीज होने का। फिल्म की राइटिंग से लेकर इसके ब्लॉकबस्टर होने में अयान मुखर्जी का सबसे बड़ा रोल रहा है लेकिन क्यों प्रोड्यूसर करण फिल्म के सीक्वल्स को लेकर चुप बैठे हैं?
आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले ये रिवील किया गया था कि यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर आयान वॉट डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी के कुछ दिनों बाद आयान ने ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की मेकिंग शुरू करने को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने करण या धर्मा प्रोडक्शन को टैग नहीं किया था। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ सोर्सेस की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करण जौहर चाहते थे कि आयान पहले ब्रह्मास्त्र के सीक्वल शूट करें, बाद में किसी और प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाए। लेकिन आयान इन दिनों दोस्तों वॉट की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। दोस्तों करण का ऐसा कहना लाजमी है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइजी पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। अब देखना होगा कि करण और आयान के फ्रेंडशिप में दूरी आएगी, क्या आने वाले 5 का हिस्सा भी नहीं होंगे करण? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। मिस्ट्री, एडवेंचर, मैजिक, ये 3 शब्द ना ब्रह्मास्त्र मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी है। रहस्यों की इस दुनिया में जहाँ हर पल मैजिक का नया किस्सा खुलता है, तो इसमें रोमांस और एक्शन भी भर कर है। ब्रह्मास्त्र 2 देव की कहानी है जो देव और शिवा के पीछे कनेक्शन को सामने लेकर आएगी। शिवा ब्रह्मास्त्र के 2 सदस्यों देव और अमृता का बेटा है। देव अग्नि अस्त्र चलाने पे इतना अच्छा था कि लोग उसे अग्निदेव कहने लगे। देव शक्तिशाली था और उसे अस्त्रों का इतना शौक था कि वो उन सभी पर अपना कब्जा करना चाहता था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को कंट्रोल करना था। जैसा पार्ट 1 में दिखाया गया कि गुरु जी शिवा को ब्रह्मास्त्र की शक्तियों से रूबरू करवाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन क्या गुरु जी खुद ही ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते थे? इसलिए वो शिवा को कठपुतले की तरह रचाते हैं। खैर, इसका खुलासा तो पार्ट 2 में ही हो पाएगा। लेकिन अब सवाल है कि क्योंकि आगे कहानी देव की होगी, तो क्या गुरु जी उसे भी कठपुतले की तरह रचाएंगे? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र इज ऑल अबाउट मिस्ट्री, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआती लड़ाई में जुनून पानी की शक्ति का भी ना उपयोग करती है। ये मैसेज देता है कि वो किसी तरह से शिव से जुड़ी हो सकती है। जुनून और शिवा ट्विन्स हो सकते हैं क्योंकि गुरु जी के अकॉर्डिंग अमृता प्रेग्नेंट थी। जुनून के पास पानी की शक्ति थी जो शायद उसे अपनी माँ अमृता से मिली हो। कई व्यूअर्स को लगता है कि ईशा पे हमने अब तक जो देखा उससे उसका किरदार कई ज्यादा है। आयान ने बार बार कहा है कि ब्रह्मास्त्र की स्टोरी में ईशा का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता तो आयान ऐसा नहीं कहते। फिल्म को लेकर कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। पर प्रमोशन के दौरान कुछ फोटोज ना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। जी हाँ, तस्वीरों में ईशा की उंगली में ना एक अंगूठी दिखाई दे रही है और यही अंगूठी एक सीन में देव के हाथों में भी देखने को मिली थी। बस इतना क्यों व्यूवर्स के लिए ना काफी है। उसके बाद तो वो खुद ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। आयान मुखर्जी ने भी देख सोचा होगा कि ये चीज लोग इतनी जल्दी नोटिस कर लेंगे। अगर आपने ब्रह्मास्त्र देखी है तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ईशा जानबूझकर शिवा की जिंदगी में आई है। देव ने उसे और जुनून को शिवा की जिंदगी में भेजा है, यानी यहाँ कोई प्यार प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और ही कहानी चल रही है। अब इस अंगूठी का राज वाकई भी क्या है, ये तो अगले पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपका इन सब पे क्या कहना है हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वैसे आयान मुखर्जी अक्सर अपने काम से ऑडियंस को चौंकाते रहते हैं और साथ ही एंटरटेन भी करते हैं। लेकिन अब फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग कैसे शुरू होगी, आयान इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। जोश जोश में तो ये कह दिया कि हम किसी से कम नहीं, पर आयान ने 2 मास एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है और अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर दोनों फिल्मों को कैसे मैनेज करेंगे। आयान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां एक तरफ खाई है फिल्म वॉर के नाम की, तो दूसरी तरफ कुआं है ब्रह्मास्त्र 2 के नाम का। ये तो तय है कि आयान एक एक करके दोनों जगह गिरेंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑडियंस के लिए भी और खुद आयान के लिए भी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार आयान 2 फिल्मों की शूटिंग एक साथ जो कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मास्त्र माइथोलॉजिकल टॉपिक पर बेस्ड फिल्म थी तो ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी भी ऐसी ही होगी, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस माइथोलॉजिकल दुनिया में एक शैतान ऐसा भी था जिसके पास भी ब्रह्मास्त्र था और वो शैतान था रावण। तो क्या मेकर्स रावण को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? दरअसल ब्रह्मास्त्र 2 के मेकर्स रावण के कैरेक्टर के लिए एक्टर अर्जुन रामपाल को कास्ट करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक अलग अंदाज में और उस अंदाज को ऑडियंस पहले भी देख चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म रावण अब वापस आने वाला है। अब जो भी हो, अगर ये बात सच साबित होती है तो ब्रह्मास्त्र 2 को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, उल्टा ब्रह्मास्त्र 2 का हाइप बढ़ जाएगा।
अब लो भाई एक और बॉलीवुड का बंदर आ गया जो एक्टर टाइगर श्रॉफ की तरह इधर से उधर छलांग लगाना चाहता है, जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक कूदना चाहता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर रणबीर कपूर है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान एक सीन में रणबीर को कहा गया था कि उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाते हुए नीचे उतरना है। ये सुनते ही रणबीर कपूर काफी एक्साइटेड हो गए थे, यहाँ तक कि रणबीर ने डायरेक्टर अयान से ये तक कह दिया था कि उन्हें बिना हार्नेस के ही छलांग लगानी है और वो उसके लिए कुछ दिन प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। लेकिन अयान ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि आप बंदर नहीं हो रणबीर, जो कुछ दिनों में सीख जाओगे, और तो और मैं बिना हार्नेस के स्टंट की शूटिंग नहीं करूंगा। फिर क्या था, रणबीर कपूर को उनकी बात माननी पड़ी और कूद पड़े बिल्डिंग के ऊपर लेकिन हार्नेस के साथ। फिलहाल अब आप हमें ये बताइए कि आप ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीक्वल ये मुस्कुराते रहिए। साल 2022 में डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी और इसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ VFX के पीसेस पर इस फिल्म ने ढेर सारी तारीफें बटोर ली। वैसे इस लाइन के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब है कि अकेले VFX की वजह से इसके तारीफों के पुल बांधे गए, और दूसरा मतलब है कि सिर्फ VFX ही इसकी तारीफ करने का रीजन था। बाकी चीजों में फिल्म वीक नजर आई थी। अगर बाकी कुछ होता तो फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ से ऊपर होता, जो सिर्फ 418 करोड़ हो पाया था। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ा इस फिल्म ने, इसलिए अब ब्रह्मास्त्र 2 से उम्मीद लगाई जाती है कि फिल्म 500 नहीं बल्कि 1000 करोड़ की ऊंचाई हासिल करे। वैसे रणबीर कपूर का स्टार पावर ना बॉलीवुड के खान लोगों की तरह है, और उनकी लास्ट पर मैनेवल का कलेक्शन देखते हुए तो भाई ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि रणबीर भी 1000 करोड़ क्लब के मालिक बन सकते हैं। उनकी एनिमल तो अब 900 करोड़ पार करने पर तुली हुई है, तो ये काम तो ब्रह्मास्त्र 2 भी कर सकती है ना। बस जो गलतियां ब्रह्मास्त्र में की गई थी वो यहाँ पर नहीं दोहराई जाए, तो जैसे वेल इमोशनली कनेक्टेड स्टोरी, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स और सिटी मार डायलॉग्स। अब 1000 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्में बाहुबली हो या फिर RRR हो या फिर दंगल हो, ये सिर्फ स्टार पावर की वजह से कमाई नहीं कर पाई है बल्कि हैवी कंटेंट की वजह से भी कर पाई है। और एनिमल का सक्सेस देखने के बाद रणबीर कपूर खुद भी इस बात से अग्री करेंगे, क्योंकि एनिमल का कंटेंट भी पावरफुल था और उसे निभाने वाला चेहरा उनका था, जिसे हम सोने पर सुहागा कह सकते हैं। अब शाहरुख खान की पठान को हम देखें तो स्टार पावर भी था और कंटेंट भी था, ऐसा मेल या फिर संगम फायदेमंद रहता है। अगर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जो कि ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल अपोजिट फिल्म है, वो अगर 1000 करोड़ पार कर गई तो ब्रह्मास्त्र 2 भी ना उम्मीद हमारी जगा देती है। और वैसे भी देखा जाए ना तो ब्रह्मास्त्र सिर्फ अयान के लिए एक टेस्टिंग फिल्म थी, ये देखने के लिए कि इंडियन ऑडियंस को वो पसंद आती भी है या फिर नहीं। उसमें वो थोड़े से कामयाब हो पाए, पर 400 करोड़ के बाद 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। अब ब्रह्मास्त्र ने ओवरसीज में 14 मिलियन की कमाई की थी, तो इस बार 1000 करोड़ कमाने के लिए उसे 40 मिलियन तक तो जाना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि ओवरसीज में रणबीर कपूर का कितना पावर है। वैसे शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के बाद उन्हें कोई बीट नहीं कर पाया है, पर अगर रणबीर कपूर की एनिमल इसमें कामयाब हुई और उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2, तो डेफिनेटली रणबीर कपूर का सिक्का भारी पड़ेगा। तो फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। अब बॉलीवुड उस दौर में आने लगा है जहां एक फिल्म सुपरहिट होने के बाद सालों साल इंतजार करना पड़ता है अगले सुपरहिट फिल्म का। अगर KGF ब्लॉकबस्टर हिट हुई तो RRR ने आके सबका दिल जीत लिया, और अभी उससे राहत मिली ही थी दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र जैसी बेहतरीन फिल्म ने अपना नाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में लिखवा लिया। अब दोस्तों ब्रह्मास्त्र ने इंडियन सिनेमा को नया रूप देने में रोल प्ले किया है कि हम भी हॉलीवुड लेवल CGI और एनिमेशन काम कर सकते हैं, और दोस्तों यहां से बाकी डायरेक्टर्स को भी ऐसी फिल्म बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। अब ब्रह्मास्त्र Part 1 जहाँ इतना मैसिव हिट हुआ था दोस्तों, तो वही इसके Part 2 को लेके भी उतनी ज्यादा हाइप बन चुकी है, और हाइप ऐसी वैसी नहीं है, वो भी फिल्म के विलन को लेके है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। Part 1 के एंड में हम सब ने देखा था कि देव आजाद हो चुका है
और अब वो ब्रह्मास्त्र लेने आएगा, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं किया गया था। और दोस्तों यही आयान मुखर्जी कितने स्मार्ट डायरेक्टर है इसके बाद का सबूत है। दोस्तों पार्ट वन जहां आलिया और रणबीर के दम पे आगे ले जाया गया था, वही पार्ट टू अब देव के दम पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सब फैंस का अब यही सवाल है कि आखिर कौन देव का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। भाई अभी पूरी टीम किसी भी नाम को मीडिया में रिवील नहीं कर रही है, लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो अयान के फेवरेट रणबीर सिंह इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है। जी हाँ, हाल ही में ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी में रणबीर को स्पॉट किया गया था दोस्तों, जहाँ पे उनके और पार्ट टू के बीच में कनेक्शन के ऊपर बात की गई थी। लेकिन दोस्तों इन सब बातों के बीच वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे ही काफी ज्यादा बिजी हैं। अब रणवीर सिंह बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक स्टार्स में से एक है, और अब वो सिंगम अगेन जिसमें रोहित शेट्टी एज डायरेक्टर धमाका करने वाले हैं दोस्तों, उसमें भी नजर आएंगे। और दोस्तों ऐसा वैसे धमाका नहीं होने वाला है, बल्कि सिंगम सिम्बा सूर्यवंशी एक साथ एक स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों सभी रणवीर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों अगर अगले नाम की बात करें तो ऋतिक रोशन का नाम भी काफी तेज है। अभी सब फैंस अपनी अपनी थ्योरीज इस कैरेक्टर को लेकर बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन के नाम को खुद रणबीर कपूर ने बात बात में शेयर करते हुए बताया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों एक मीडिया इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि आपको बहुत जल्द देव के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, लेकिन मेरे सबसे अजीज दोस्त को मैं इसमें देखना जरूर पसंद करूंगा। और दोस्तों पूरे बॉलीवुड में यही कहा जाता है कि उनके सबसे अजीज दोस्त ऋतिक रोशन हैं। और अगर ऋतिक इस फिल्म में होंगे तो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस के कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी ये तो बस आप गिनते जाइए। लेकिन दोस्तों इस कंफर्मेशन से पहले ऋतिक ऑलरेडी एक बॉम्ब अपने फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी आसमान में। जी हाँ दोस्तों, शायद आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह बात हो रही है फाइटर की, और साथ ही साथ YRF के स्पाई यूनिवर्स को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। वॉर, पठान और टाइगर को एक स्क्रीन पे देखने के लिए इस समय सभी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं अभि प्रताप सिंह। हमारे पुराने सुपर हीरो से क्या ली गई है इंस्पिरेशन? कौन होना चाहिए रियल हीरो? VFX के साथ देव या हमारे क्रिश? क्या रावण था ब्रह्मास्त्र का लाइट वर्जन? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। हमारे बचपन से ही हम सभी ने सुपर हीरो की एक छवि बनाई हुई है हमारे दिमाग में, जिनमें से एक बड़ा नाम शक्तिमान का है। याद रहते हैं वो दिन जब हवा में से उड़ के हमारे हीरोज को हम टेलीविजन पर देखा करते थे। आज के दौर में जब ब्रह्मास्त्र 2 रिलीज होने वाली है दोस्तों, लगता है शक्तिमान जैसा हीरो आज देव जैसे हीरो में अपग्रेड हो गया है। दौर हमेशा बदल जाता है, जो नहीं बदलता वो है ओरिजिनलिटी का असेंस। आने वाले समय भी काफी कुछ नया आएगा और दोस्तों नए एग्जाम्पल सेट करेगा। अब ऐसे में दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी चीजों को अपनाते हैं। अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने समय के सुपर हीरोज की शक्तियां उनके अंदर के एलिमेंट्स को बेस बनाकर आज के दौर में ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। दोस्तों जहां शिवा और देव को देखकर हम उन्हें एक हीरो की पोजीशन देते हैं, वहीं आज से सालों पहले बच्चे शक्तिमान को देखकर अपना हीरो से समझते थे। और दोस्तों इसे नकल करना नहीं बल्कि इंस्पिरेशन लेना कहते हैं, क्योंकि आज के दौर में अपने तरीके से चीजों को अडॉप्ट करा जा रहा है और उनको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है। हमारे बॉलीवुड की बात करी जाए दोस्तों, तो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। आज से पहले भी बिना टेक्नोलॉजी और VFX के काफी ऐसे फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम कृष्ण और रावण का है। दोनों ही फिल्मों में हमें हीरोज की एक समझ दी गई है और लोगों के दिलों में उन किरदारों के लिए एक अटैचमेंट भी हुई है, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सुपर हीरो का काम और उनका लक्ष्य और उनका अस्तित्व समझ में आया है दोस्तों। यही अगर ब्रह्मास्त्र को देखा जाए तो उससे भी हमने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझा है, जहां हमारे सुपर हीरो के पास शक्तियां हैं जिसका कुछ कारण है और आने वाले समय में उनका कोई लक्ष्य भी है जो वो पूरा करना चाहते हैं। अब ऐसे में दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि क्या VFX के बिना हमारा क्रश हीरो नहीं लगता, या VFX के साथ ही देव हीरो है। दोस्तों विकास और बदलाव ऐसी शर्तें हैं कि जो चाहकर भी बदली नहीं जा सकती, बदलाव आएगा ही और उसको स्वीकार करना हमारा काम है। क्रिश जब रिलीज हुई थी तब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो उस वक्त के हिसाब से ये फिल्म बहुत बढ़िया थी। आज टॉप टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर है, तो उसके हिसाब से ब्रह्मास्त्र बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब इनमें से किसी एक को प्रभावशाली नहीं कहना गलत होगा। सभी किरदार सभी फिल्में अपने समय के हिसाब से बहुत अनोखी थी। अब देखना ये होगा कि ब्रह्मास्त्र 2 क्या नया लाती है हम सबके लिए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है रीना। क्या अमिताभ बच्चन है ब्रह्मास्त्र 2 के सबसे खतरनाक विलन? क्यों फैंस को आलिया भट्ट से ज्यादा मौनी रॉय का है इंतजार? क्या कनेक्शन है जुनून और देव का? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। जहां सभी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 के कैरेक्टर देव के पीछे पड़े हैं दोस्तों, तो वहीं कोई ये नहीं देख रहा फिल्म का असली विलन कौन है।
तो वो असली विलन कोई और नहीं बल्कि एक्टर अमिताभ बच्चन होंगे। अमिताभ जी को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ दिखाया गया था और पूरी फिल्म में जिन्हें ब्रह्मास्त्र पाने की सबसे ज्यादा जल्दी थी वो थे अमिताभ जी। यहाँ तक कि अमिताभ जी ने ही एक्टर रणबीर कपूर को यानी शिवा को बताया था कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा कहाँ मिलेगा। वो खुद उस तीसरे हिस्से को पा सकते थे लेकिन वो खुद नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने शिवा को भेजा था। दोस्तों जब इस थ्योरी के बारे में मेकर्स से पूछा गया था तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप लोग कहाँ से लाते हैं इतनी अच्छी अच्छी थ्योरीज। और तभी मेकर्स ने यह हिंट दिया था कि इससे भी बड़ा सरप्राइज होगा फिल्म में हमारी ऑडियंस के लिए, जो उन्हें पूरी तरह से अमेज करके रख देगा। दोस्तों एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कुछ खास हाईलाइट नहीं किया गया था फिल्म ब्रह्मास्त्र में। यहां तक कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में अपनी एक्टिंग से कुछ खास इंप्रेस भी नहीं कर पाई थी आलिया। दोस्तों जब ऑडियंस ने आलिया को ईशा के कैरेक्टर में देखा था तो सभी को ये लगा था कि अपनी एक्टिंग से आलिया सभी का दिल जीत लेंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जहां मेकर्स को लग रहा था कि ईशा का कैरेक्टर ऑडियंस के दिल को छू जाएगा, वहीं ऑडियंस का ये कहना था कि ईशा ही सारी मुसीबत की जड़ थी, क्योंकि जब तक ईशा शिवा से नहीं मिली थी तब तक शिवा के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन ईशा के आते ही शिवा की मुसीबतें शुरू हो गई थी। तो कुछ ऑडियंस को ये बात खटक रही थी, पर इससे उल्टा उन्हें मौनी रॉय का कैरेक्टर पसंद आया था। इसलिए ऑडियंस ने मेकर्स से कहा है प्लीज फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में एक्ट्रेस मौनी रॉय को ज्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ताकि मौनी को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले और एक्सप्रेस करने का मौका भी मिले। वैसे दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र में जुनून ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो देव के लिए लड़ाई कर रहा था और दोस्तों देव के साथ खड़ा था। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जुनून जरूर कुछ ना कुछ लगती होगी देव की, तभी तो दोस्तों वो देव के लिए मरने के लिए भी एकदम तैयार थी। इसलिए मेकर्स से जब देव और जुनून के बीच के कनेक्शन के बारे में पूछा गया था तो मेकर्स ने कुछ खुलकर नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, फिर वो चाहे देव के कैरेक्टर को लेकर हो या देव और जुनून के कनेक्शन को लेकर, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में आराम से मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद मेकर्स ने यह भी बताया था कि अभी बहुत वक्त लगेगा फिल्म आने में, लेकिन अगर फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो वो खुद सामने से ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित। क्या ईशा होगी ब्रह्मास्त्र की मेन विलन? कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी ब्रह्मास्त्र 2 में हमें? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र के एक सीन में ईशा ने अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई है वो सेम रिंग देव के पास थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देव जैसी रिंग ईशा के पास कैसे आई, कहाँ से आई और उसके बाद वो क्या कर रही है? तो ब्रह्मास्त्र में जब ईशा और गुरुजी एक सीन में बात कर रहे हैं तब ईशा के पास देव की रिंग है और गुरुजी के पास एक लाइटर है जो खुद इस्तेमाल करते हैं और शिवा को भी देते हैं, और ऐसे ही एक सीन में गुरुजी जादू से आग भी जला रहे हैं। इस पर से ऐसा हो सकता है कि पार्ट 2 में हमें कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाए जब गुरुजी रघु थे और सभी सदस्यों के साथ काम करते थे। उस समय पर देव बहुत ताकतवर था और वो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्र का उस्ताद भी था। देव को ब्रह्मास्त्र चाहिए था ताकि वो और ताकतवर बन सके। तो ऐसा हो सकता है कि रघु देव से जल रहा हो और उसके मन में लालच आया हो कि वो ब्रह्मास्त्र को अपने कंट्रोल में कर ले और ब्रह्मदेव बन जाए और सबसे शक्तिशाली भी बने, और फिर ब्रह्मास्त्र को लेकर इन दोनों के बीच में एक बड़ी जंग होती है। अमृता इन दोनों के बीच आकर ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है और एक टुकड़ा अपने साथ ले जाती है। देव अमृता से जल अस्त्र छीन लेता है और रघु अपने अस्त्रों की मदद से देव को पत्थर का बना देता है। शायद दोस्तों यही वजह है कि अमृता मठ में नहीं जाती और रघु अमृता का पता कैसे भी लगाता है और वहां पहुंचकर सब कुछ जला देता है। ये एक थ्योरी हो सकती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि ईशा के पास आखिर देव की रिंग कैसे आई और उसका देव से क्या कनेक्शन होगा। बात करें मूवी की तो ब्रह्मास्त्र मूवी में इतने सारे कैरेक्टर थे, इतनी सारी कहानियां हैं जिन्होंने इतने सारे प्रश्न हमारे लिए छोड़ दिए, और सभी को जानना है कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें देव और अमृता की लव स्टोरी दिखेगी। हमें दिखाया जाएगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे प्यार हुआ और एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या परेशानियां आई थी। इसके साथ ही देव और अमृता के बीच की लड़ाई भी दिखाई जाएगी, क्योंकि जहां प्यार होगा वहां लड़ाई तो होनी ही है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई थी और किस बात को लेकर हुई थी, ये सब भी हमें पार्ट 2 के अंदर दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमें गुरुजी का पास्ट या यूं कहूं कि उनका यंग अवतार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनकी डार्क साइड भी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पहले पार्ट में कुछ जगहों पर गुरुजी ने जो एक्सप्रेशन दिए, जो डायलॉग बोले, उसे देखते हुए लगता है कि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ तो ऐसा काम किया है जो उनका पूरा नाम मिट्टी में मिला सकता है। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र में कई जगह पर उनके काम की वजह से दिक्कत भी आई होगी। इसके अलावा हमें ब्रह्मास्त्र 2 में काफी सारे अस्त्र देखने को मिल सकते हैं
और काफी सारे अस्त्र जिनके बारे में पार्ट वन में बताया गया था उनका इस्तेमाल करते हुए कोई नहीं दिखाया गया था, वो भी हमें पार्ट टू में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे अस्त्र दिखाए जाएंगे जो अग्नि या जल अस्त्र जैसे ताकतवर तो नहीं होंगे पर उनका अपना ही एक अलग मकसद होगा। दोस्तों हमें पार्ट वन के अंदर काफी सारे अस्त्र बच्चों के पास दिखाए गए थे, तो हो सकता है कि पार्ट टू के अंदर हमें ये देखने को मिले कि वो अस्त्र बच्चों के पास कैसे पहुंचे और उन अस्त्रों की जर्नी भी दिखाई जा सकती है। तब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु। क्यों रणबीर कपूर के कारण देर से होगी ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग? कौन बना डायरेक्टर अयान मुखर्जी का सहारा? क्या आलिया भट्ट ने की फिल्म की कास्टिंग? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियो। रणबीर कपूर सिर्फ ब्रह्मास्त्र फिल्म के लीड हीरो नहीं थे बल्कि फिल्म के वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी थे और अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद वो सीक्वल के लिए बहुत ज्यादा खुश है। पर अयान मुखर्जी जो ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर हैं, उनकी तैयारियों के बीच अब रणबीर कपूर का ये कहना है कि वो शूटिंग जल्द शुरू नहीं कर सकते। दरअसल रणबीर कपूर की 2023 में बहुत ही जबरदस्त और वॉयलेंट किस्म के किरदार से सजी फिल्म एनिमल रिलीज होने को है। इस फिल्म के कैरेक्टर को लेकर रणबीर की मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी पर काफी असर हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो एनिमल फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद 5 महीने का ब्रेक लेंगे और फिर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। वैसे तो अयान मुखर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा खींचना अच्छा नहीं है। ब्रह्मास्त्र फिल्म में हर बार की तरह अपनी खूबसूरती और टैलेंट से चार चांद लगाने वाली आलिया भट्ट कपूर ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर खुश है, पर देखा जाए तो आलिया कास्टिंग में भी शामिल हो रही हैं ऐसा लगता है। अब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने किसकी कास्टिंग की। तो कास्टिंग तो नहीं की पर ब्रह्मास्त्र 2 में देव और अमृता की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, यानी कि शिवा के माँ बाप और शिवा के कैरेक्टर को निभाया था रणबीर कपूर ने, तो अमृता के कैरेक्टर को कौन निभाएगा? इस चर्चा में शामिल हुई आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया है और कहा है कि वो हर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो एक स्टनिंग लेडी है। भले ही माँ का कैरेक्टर हो पर वो हर कैरेक्टर में सूट करती है। वैसे भी आलिया और दीपिका रियल लाइफ में भी काफी अच्छी दोस्त है और आलिया भट्ट चाहती है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा बने, मतलब अगर ये दोनों सेट पर एक साथ रही तो काफी मस्ती करेंगी और साथ में रणबीर कपूर तो होंगे ही इन दोनों का प्यार देखने के लिए। ब्रह्मास्त्र फिल्म से प्रोड्यूसर के नाते जुड़े करण जौहर की और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की जोड़ी में बहस हो चुकी है और करण ब्रह्मास्त्र 2 से पीछे हटने वाले हैं और अयान ढूंढने वाले हैं नया प्रोडक्शन हाउस। ब्रह्मास्त्र फिल्म बिग बजट के साथ बनी थी और ब्रह्मास्त्र 2 और 3 के लिए भी उतने ही दमदार बजट की जरूरत है या उससे भी ज्यादा, तो अयान को ये टेंशन है। पर इसी बीच उनका सहारा बना है डिज्नी ग्रुप। डिज्नी ग्रुप सीक्वल्स का पोटेंशियल देखते हुए फिल्म के बजट में कॉन्ट्रीब्यूट करने का सोच रहा है और ये अयान के लिए बहुत बड़ी मदद होगी क्योंकि जिस तरह से उनके VFX, एक्शन सीक्वेंसेस एक लेवल अप होने वाले हैं तो बजट तो भारी होना बहुत जरूरी है। आपका इन सब में क्या कहना है हमें फटाफट से अपनी राय बताइए कमेंट। ब्रह्मास्त्र 2 में किस तूफानी एक्टर की होगी एंट्री? क्या आप जानते हैं ये फैक्ट जो आर्यन ने बताए ब्रह्मास्त्र के बारे में? क्या है ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर लेटेस्ट न्यूज? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर एक तरह का सूखा पड़ा हुआ था। ऐसा बताया जा रहा था कि 2022 के अंत तक बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में बाहर आ जाएगी। अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज हुई। फिल्म की रिलीज को लेकर कई सालों से अटकलें लगाई जा रही थी। महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग में बार बार देरी हो रही थी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी फिल्म को और वापस रिलीज करने में काफी समय लगा। आखिरकार ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी की पहले पार्ट को सितंबर में रिलीज किया गया था। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अयान मुखर्जी की साइंस फिक्शन फिल्म ने करीब 430 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट की सफलता के बाद दर्शक और फैंस दूसरी फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। इस बार निर्देशक अयान मुखर्जी ने ट्रायलॉजी के दूसरी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को लेकर बहुत सारी बातचीत की है।
ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव अगले साल किसी भी महीने में रिलीज होने वाली थी। अब निर्देशक अयान मुखर्जी ने बताया है कि फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 2025 तक रिलीज होगी। अब खबर है कि पहली फिल्म की तरह दूसरी फिल्म की रिलीज में भी देरी हो सकती है। इस बार अयान मुखर्जी ने कहा है, हम दूसरी फिल्म के लिए 10 साल नहीं लेंगे। अगर 10 साल बाद दूसरा पार्ट रिलीज होता है तो उस फिल्म को कोई नहीं देखेगा। दूसरी फिल्म में क्रू लिस्ट कौन है? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म में होंगे, कौन निभाएगा देव का रोल? ये सवाल ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव के ऐलान के बाद से ही घूम रहा है। कभी रणवीर सिंह का नाम आता है, कभी यश का, तो कभी ऋतिक रोशन का। कौन सा स्टार नजर आएगा देव के रोल में? इस सवाल का जवाब अयान ने अभी तक नहीं बताया है। उनके मुताबिक इसका जवाब जानने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अयान ने कहा कि वो करीब 7 साल से ब्रह्मास्त्र के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। वो अपनी ड्रीम फिल्म को पूरी अच्छे से बनाना चाहते हैं, भले ही इसमें थोड़ा और समय लगे। इसीलिए दर्शकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेकअप सिट के निर्देशक फिल्म में जल्दबाजी करने से कतरा रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनका ये फैसला सही है या फिर नहीं? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। अयान मुखर्जी ने बहुत पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि उन्हें 10 साल लगे ब्रह्मास्त्र बनाने में, और ये बात साफ कर दी थी कि इसके बाकी के 2 पार्ट्स की स्क्रिप्टिंग भी तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने पूरी एक ही कहानी लिखी थी जिसको अलग अलग पार्ट्स में रिलीज करने का फाइनल किया गया है। दर्शकों के जुड़ाव और सस्पेंस के लिए उन्होंने पार्ट 1 बनाया जिसमें सिर्फ फिल्म का एक जिस्ट था कि ये फिल्म किस बारे में है, और माना यह जा रहा है कि बाकी के दोनों पार्ट्स ही असली फिल्म की कंस्ट्रक्शन है और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे और अप्रोप्रिएटली स्टोरी लाइन के साथ प्रेजेंट किए जाएंगे। दोस्तों, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में काफी समय लगता है ताकि एक अच्छा परिणाम सामने निकल सके। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में जहां 10 साल लगे, वहीं पार्ट 2 और 3 जल्द से जल्द रिलीज होने की उम्मीद है ताकि दर्शकों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। दोस्तों, अब जहां फैंस आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री देखकर काफी खुश हुए हैं, वहीं ये खबरें सामने आ रही हैं कि रणबीर का अगले पार्ट में अपना किरदार निभाना कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र 1 के अंत में ये बात साफ कर दी गई थी कि अगला पार्ट देव पर होगा। अब दोस्तों, इसमें हम 2 तरीकों से चीजें समझ सकते हैं कि या तो शिव ही कहीं ना कहीं देव होंगे या देव का कोई नया किरदार होगा, लेकिन दोस्तों ज्यादा चांसेस नए एक्टर के हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात सामने निकल के आई है कि रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन में से कोई देव का किरदार प्ले करेगा। दोस्तों, अब एक दर्शक के तौर पर हम सभी ने ब्रह्मास्त्र सबसे पहले कहीं ना कहीं रणवीर और आलिया की वजह से ही देखी थी और बाद में कहानी के साथ कनेक्ट किया था, और यकीनन उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी तभी दोनों को इस चीज की तारीफ भी मिली थी। लेकिन दोस्तों, फिल्म का ट्विस्ट शायद थोड़ा उल्टा पड़ सकता है। अब ऐसे में निर्देशक अयान मुखर्जी अगर दोनों कलाकारों का कैमियो दिखाते हैं तो फिल्म में एक अलग ही जान आ जाएगी जिसे देखना रोमांचक होगा ऑडियंस के लिए। दोस्तों, कैमियो करना और उसको निभाना एक कला होती है, तो इस फिल्म में भी कैमियो हम सबको जरूर दिखने वाला है जिसके 2 बड़े नाम हैं, शाहरुख और दीपिका पादुकोण के। दोस्तों, जहां दीपिका शिवा की माँ के रोल में नजर आएंगी, दोस्तों वहीं एसआर के एक अलग शक्तियों को दिखाते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों, क्या आप जानते हो कि क्यों मुश्किल होता है कैमियो करना? क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल टाइम ही होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने का। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है रीना। सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। देव भी जरूर आएगा अपना ब्रह्मास्त्र लेने। क्या फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में होगी एसआरके की वापसी? कौन फिल्म ब्रह्मास्त्र को जानवर कहकर बुला रहा है? क्यों अमिताभ बच्चन के लिए ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग है जरूरी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। एक्टर रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट को जानवर कहा था, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके हिसाब से ब्रह्मास्त्र एक जानवर है, वो भी शेर की तरह, जो बाकी सारी फिल्मों पर राज करना चाहता है। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार रणबीर फिल्म को जानवर कह रहे थे। यहाँ तक कि रणबीर जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर, ऐसा शायद ही कोई और होगा। रणबीर से जब भी ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि वो फिल्म से जुड़ी कोई भी खबर नहीं जानते, इसीलिए ऑडियंस को जो भी जवाब चाहिए वो मेकर्स ही दे सकते हैं। रणबीर को कुछ दिनों पहले ही फिल्म सिटी में एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ स्पॉट किया गया था। उन्हें देखकर यही लग रहा था कि वो ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग करने के लिए आए थे।
जब वो शूटिंग पूरी करके बाहर निकल रहे थे तब उन्हें स्पॉट किया गया था। अब हर फिल्म मेकर को अपनी फिल्म का हाइप बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ता है वो तो वो करते ही है, और ऐसा ही कुछ करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 के मेकर्स। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में एक्टर शाहरुख खान एक साइंटिस्ट के कैरेक्टर में नजर आए थे, लेकिन बाद में जुनून ने उन्हें मार दिया था। अब ब्रह्मास्त्र 2 का हाइप बढ़ सके इसीलिए ये खबरें आ रही है कि ब्रह्मास्त्र 2 में शाहरुख की वापसी हो सकती है। इस बार उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी से इस खबर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया था और कहा था कि ऐसे फिल्मों में तो कुछ भी हो सकता है। जब ऑडियंस को पता चला कि फिल्म में शाहरुख खान की वापसी हो सकती है तो फिल्म की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गई, साथ ही साथ ऑडियंस की एक्साइटमेंट भी बहुत बढ़ गई। वैसे कुछ दिनों पहले फिल्म कल्कि 2898 AD की अनाउंसमेंट की गई थी। उसके अनाउंसमेंट के लिए कल्कि के सारे मेकर्स और यहाँ तक की सारी कास्ट US गई थी, जिसमें एक्टर अमिताभ बच्चन शामिल नहीं थे। जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया था कि वो क्यों नहीं गए थे तो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग में बिजी थे। अमिताभ बच्चन की ये बातें सुनकर सबको ये पता चल गया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म की शूटिंग करना जरूरी है। तो बस मेकर्स को ये लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत और खराब हो जाए उससे पहले फिल्म की शूटिंग पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब सभी को बेसब्री से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का इंतजार है ताकि सभी की क्यूरियोसिटी पूरी हो सके। अब देखना यह है कि कब तक फिल्म रिलीज होगी और क्या ऑडियंस को फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 पसंद आएगी या फिर नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों मौनी रॉय नहीं है ब्रह्मास्त्र 2 के लिए एक्साइटेड? क्या राज छिपा है आलिया भट्ट और मौनी रॉय के कनेक्शन में? किस सीन को करने से डर रही थी आलिया भट्ट? फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में बहुत सारे राज ऐसे हैं जो खुल नहीं पाए हैं, जिसे मेकर्स ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में खोलने वाले हैं, जिसमें से एक राज है एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्ट्रेस मौनी रॉय के बीच के कनेक्शन को लेकर। ऑडियंस ने मेकर्स के सामने अपने कन्फ्यूजन से भरे सवाल को रखते हुए फिल्म के डायरेक्टर यानी आयान मुखर्जी से पूछा था कि सर, फिल्म में मौनी चाहती तो आलिया को मार सकती थी, लेकिन मौनी ने एक बार भी आलिया को मारने की कोशिश नहीं की, क्यों? क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में इस राज से भी पर्दा उठेगा? तो आयान ने हंसते हुए कहा कि आपके सारे सवालों के जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि आलिया और मौनी ही फिल्म में असली विलन होंगी, जिसे हर हाल में ब्रह्मास्त्र चाहिए होगा ताकि वो पूरे यूनिवर्स पर राज कर सके। फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की सफलता के बाद ऑडियंस से जब उनका रिएक्शन पूछा गया तो उसमें अगर किसी का नाम बार बार आ रहा था तो वो थी एक्ट्रेस मौनी रॉय। यहाँ तक कि ऑडियंस ने तो ये भी कह दिया था कि मौनी को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 भी देखना चाहिए है। एक अवार्ड शो में जब मौनी से पूछा गया था कि क्या वो ब्रह्मास्त्र 2 में नजर आएंगी तो मौनी ने सैड सा चेहरा बनाते हुए कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र 2 में भी नजर आऊंगी, लेकिन मौनी के उस उदास से चेहरे ने मानो जैसे रिपोर्टर को कंफ्यूज कर दिया हो। बाद में सुनने में आया कि मौनी ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है और इसका कारण है उनकी स्क्रीन टाइमिंग का कम होना। सुनने में आया है कि मौनी को ब्रह्मास्त्र 2 में हाईलाइट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से मौनी उदास है। वैसे तो एक्ट्रेस आलिया भट्ट काफी माहिर हो चुकी है हर कैरेक्टर के साथ खेलने के लिए, लेकिन जब उनकी कोई एक्शन सीन शूट करने की बारी आती है तो आलिया उस सीन को परफॉर्म करने से काफी डरती है, और ऐसा ही हुआ था फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के वक्त। फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने जब आलिया को समझाया कि उन्हें एक बिल्डिंग से कूदना है, वो भी सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, फिर भी आलिया को बहुत डर लग रहा था। आयान को समझ नहीं आ रहा था कि आलिया के इस डर को कैसे दूर किया जाए, इसलिए आयान ने उस सीन में थोड़ा सा बदलाव करने के बाद एक्टर रणबीर कपूर को भी बोला था कि वो आलिया के साथ उस बिल्डिंग से कूद जाए, तब जाकर कहीं आलिया का डर खत्म हुआ और आलिया अच्छे से परफॉर्म कर पाई। क्यों एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र के कैरेक्टर को नहीं पहचाना? क्या आयान मुखर्जी प्रभास को कास्ट करेंगे देव के कैरेक्टर के लिए? क्यों शाहरुख खान ने साइंटिस्ट के कैरेक्टर को चुना?
हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। लगता है एक्ट्रेस आलिया भट्ट ट्रोलिंग से इतना परेशान हो गई हैं कि वो ये तक भूल गई हैं कि उन्होंने कभी फिल्म ब्रह्मास्त्र में काम किया था। फिल्म डार्लिंग के प्रमोशन के वक्त एक रिपोर्टर ने आलिया से पूछा था कि आलिया, आपने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं तो उन फिल्मों में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए आलिया ने कहा कि उनका फेवरेट कैरेक्टर सनाया है, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। तभी उस रिपोर्टर ने पूछा, मैम क्या आपको ईशा का कैरेक्टर पसंद नहीं है? तो आलिया भट्ट ने चौंकते हुए पूछा था कि कौन ईशा। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए कि आलिया कैसे ईशा के कैरेक्टर को भूल सकती है। बाद में उसे रिपोर्टर ने याद दिलाया कि वो ब्रह्मास्त्र की ईशा के बारे में पूछ रहे थे। फिर आलिया इस चीज से इतना खराब फील करने लगी कि उन्हें हंसी आ गई रिपोर्टर को जवाब देते वक्त। अब इतना काम करती हैं तो भूल तो जाएंगी ही ना, बस वो तो ये ना भूल जाएं कि वो ब्रह्मास्त्र 2 भी कर रही हैं। खैर, हम सभी के बाहुबली यानी कि एक्टर प्रभास का नाम अब सामने आ रहा है फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव के कैरेक्टर को निभाने के लिए। अगर ये बात सच निकली तो ब्रह्मास्त्र 2 को सुपर ब्लॉकबस्टर होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि खुद इस बात पर अगर किसी ने मोहर लगाई है तो वो खुद फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं, वो भी गलती से। जब एक इंटरव्यू में अयान से देव के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा कि रणवीर एक एनर्जेटिक और वर्सटाइल एक्टर है। तो वहीं प्रभास भी किसी से कम नहीं है। प्रभास जिस फिल्म में होते हैं उस फिल्म का हाइप उनके नाम से ही बढ़ जाता है। ऑडियंस ने आयान की इस बात से ही अंदाजा लगा लिया कि देव के कैरेक्टर के लिए मेकर्स प्रभास को कास्ट कर सकते हैं, जिसके बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। वैसे एक्टर शाहरुख खान को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा से ही एक एक्टर ही बनना चाहते थे, इसीलिए वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में उन्हें एक साइंटिस्ट के कैरेक्टर को प्ले करने का मौका मिल रहा है तो शाहरुख खान ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तुरंत हाँ बोल दिया। यहाँ तक कि जब फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने शाहरुख को अप्रोच किया था ब्रह्मास्त्र के लिए तो उन्हें तुरंत हाँ बोल दिया गया, वो भी मजाकिये तरीके से। शाहरुख ने कहा कि भले ही वो रियल लाइफ में साइंटिस्ट ना बन पाए हो, लेकिन अब वो फिल्म में एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर निभाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 से ये खबर सुनने में आई है कि शाहरुख की वापसी हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो फिल्म आने के बाद ही पता चल पाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या ब्रह्मास्त्र 2 में मौनी रॉय नहीं आएंगी नजर? किसने दी थी फिल्म के सेट पर पार्टी? क्या ब्रह्मास्त्र का मिस्टर इंडिया से कोई कनेक्शन है? जब किसी फिल्म में दो एक्ट्रेसेस एक साथ होती है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस उन दोनों को एक्टिंग के बेसिस पर कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ था फिल्म ब्रह्मास्त्र के वक्त भी। ऑडियंस ने फिल्म देखने के बाद यही कहा था कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट से अच्छा परफॉर्म एक्ट्रेस मौनी रॉय ने किया था। यहाँ तक कि ऑडियंस ने ये तक कह डाला था कि अगर ब्रह्मास्त्र 2 में मेकर्स मौनी को कास्ट नहीं करेंगे तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को मौनी ही पसंद आई थी पूरी फिल्म में। जब इस कंपैरिजन के बारे में मौनी से पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाया था, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस कैसी रही इसका फैसला ऑडियंस ही करती है। और ब्रह्मास्त्र 2 की बात की जाए तो अगर मेकर्स ने फिर से मौनी को मौका दिया तो वो जरूर काम करना चाहेंगी। वैसे इंडिया वाले जहां जाए वहां अपनी पहचान छोड़कर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात है फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग की। जब मेकर्स के साथ सारी कास्ट बुलाई गई थी शूटिंग के लिए, तब एक्टर अमिताभ बच्चन ने सभी से वादा किया था कि अगर शूटिंग अच्छे से हो जाएगी तो उनकी तरफ से सभी को वो ट्रीट देंगे। लेकिन ट्रीट क्या होगी वो सरप्राइज रहेगा। फिर क्या था, सभी ने आराम से और अच्छे से शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन जब ट्रीट की बारी आई तो अमिताभ जी सेट से गायब हो गए थे। थोड़ी देर बाद अमिताभ जी एक बड़े से बॉक्स के साथ सेट पर आए और बहुत पूछने के बाद अमिताभ जी ने बताया था कि वो सभी को वड़ा पाव और समोसे की ट्रीट दे रहे हैं। ये सुनते ही सभी खुश हो गए,
क्योंकि इंडिया से बाहर इंडियन खाना मिलना काफी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर यानी अयान मुखर्जी ने भी कहा था कि अमिताभ सर, हम ऐसे ही शूटिंग करते रहेंगे, आप हमें ऐसे ही ट्रीट दीजिएगा। खैर, बहुत कम लोगों ने यह ध्यान दिया होगा कि फिल्म ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं फिल्म मिस्टर इंडिया से कनेक्टेड थी, लेकिन कैसे वो हम अभी जानेंगे। जिस तरह मिस्टर इंडिया में एक्टर अनिल कपूर एक अनाथालय को चलाते थे, पर आखिर में वो एक सुपर हीरो वाली फिल्म थी, तो ठीक उसी तरह ब्रह्मास्त्र में भी एक्टर रणबीर कपूर एक अनाथालय को चलाते हुए नजर आते हैं, और वो भी एक सुपर हीरो वाली फिल्म थी। डायरेक्टर अयान मुखर्जी अपनी फिल्म को हमेशा एकदम बारीकी से बनाते हैं ताकि ऑडियंस फिल्म में कोई भी गलती ना ढूंढ पाए। इसलिए ऑडियंस को इंतजार है ब्रह्मास्त्र 2 के रिलीज होने का, ताकि फिर से अयान अपने काम से ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके। क्या फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में होगा अमृता का पुनर्जन्म? कौन है ब्रह्मास्त्र 2 का असली कातिल? क्या फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट? दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 के अनाउंसमेंट क्या हुई, सभी फिल्मी लवर्स को एक टॉपिक मिल गया है डिस्कशन करने के लिए, बातें बनाने के लिए, और वो टॉपिक है देव बाबू, मतलब कि देव। सभी को ये जानना है कि ये देव कौन है, लेकिन किसी को ये नहीं जानना कि अमृता को किसने मारा। कुछ लोगों का कहना है कि जब उन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र को अच्छे से देखा और एनालाइज किया ना, तो उन्हें मालूम चला कि अमृता का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि शिवा यानी कि अमृता का बेटा ही है, और ब्रह्मास्त्र में शिवा बने थे रणवीर कपूर। अगर अमृता की मौत वाले सीन को ध्यान से देखा जाए तो शिवा के अंदर आग वाली शक्ति थी और उस वजह से ही कमरे में आग लग गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि शिवा ने ही अपनी माँ को मारा हो। जब थ्योरी को मेकर्स से कंफर्म करवाया गया था तो मेकर्स ने हंसते हुए कहा था कि ये भी ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ही कातिल हो। वैसे हम सबको उस कातिल का इंतजार तो रहेगा ही। वैसे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को तो ठीक से फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाया भी नहीं गया था, बल्कि दीपिका ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, क्योंकि उनकी वजह से ही फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका का पुनर्जन्म दिखाया जाएगा ताकि वो देव से मिल सके, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान शिव माता पार्वती से मिले थे। उनके पुनर्जन्म के बाद अगर ब्रह्मास्त्र की कहानी को देखा जाए ना, तो वो भगवान के चारों ओर ही घूम रही है, तो जाहिर सी बात है कि बिना पार्वती माँ के संसार तो चला पाना नामुमकिन है। इसीलिए दीपिका का पुनर्जन्म दिखाया जा सकता है। फिल्म के डायरेक्टर यानी कि अयान मुखर्जी फिलहाल अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी है, इसीलिए वो ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में अभी कुछ खुलकर बता नहीं पा रहे हैं, पर वो ऑडियंस को फिल्म से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे। वैसे दोस्तों, असल जिंदगी में कोई त्रिमूर्ति है ना, तो वो है दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मदेव, दुनिया को बचाने वाले विष्णु, और आखिर में हमारे शिव। इन्हीं त्रिमूर्तियों को दिखाया गया था फिल्म में, जहां ब्रह्मदेव के रूप में नजर आए थे एक्टर शाहरुख खान, विष्णु के रूप में नजर आए थे एक्टर नागार्जुन अकिनेनी, तो वही शिव के रूप में देव को दिखाया गया था। सुनने में ये आया है कि ब्रह्मास्त्र 2 में त्रिमूर्ति को ही हाईलाइट करके उनकी अतीत के बारे में दिखाया जाएगा, और ये त्रिमूर्ति कैसे एक दूसरे से अलग हुए थे, और ये होगा फिल्म का क्लाइमैक्स सीन। जब से ऑडियंस को इस खबर के बारे में मालूम चला है, वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी से ये तक कह दिया था कि अब वो 10 साल नहीं इंतजार कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र 2 को देखने के लिए, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द फिल्म को बनाकर रिलीज करना होगा। फिलहाल दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। आखिर क्या है ब्रह्मास्त्र और आखिर कब बना ये अस्त्र? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र क्या सच में कोई ब्रह्मास्त्र था? अगर हाँ तो इसके बारे में हमने कभी सुना क्यों नहीं? ये हिस्ट्री में कितनी बार यूज किया गया? इन सभी सवालों को ब्रह्मास्त्र में देखने के बाद दर्शकों ने कई बार पूछा, तो आइए जानते हैं। दरअसल ब्रह्मास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया एक अस्त्र माना जाता है। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया विनाश का एक हथियार है। साथ ही दोस्तों, इससे और भी ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र है।
अब संस्कृत ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है, जिनमें शामिल है रामायण में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल श्री राम ने कई बार किया है। एक बार जयंत के खिलाफ जब उन्होंने सीता को चोट पहुंचाई थी, फिर मारीच के खिलाफ उनकी आखिरी लड़ाई में, उसके बाद समुद्र के खिलाफ जब उन्होंने अपनी सेना और खुद को अनुमति देने की प्रार्थना का जवाब नहीं दिया था दोस्तों, तब और फिर अंत में रावण के साथ अंतिम युद्ध करने के समय। इससे पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र को कई बार इस्तेमाल किया गया है और आज की जनरेशन तक इस कहानी को पहुंचाने का काम फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बखूबी किया है। दोस्तों ब्रह्मास्त्र एक शक्तिशाली अस्त्र है, तो उसकी शक्ति और विजुअल इफेक्ट्स को फिल्म में दिखाना एक चैलेंजिंग टास्क था। इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी था। आइए जानते हैं किस टेक्नोलॉजी से इस फिल्म को इतना रोमांचक बनाया गया। फिल्म में दिखाई गई बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का ज्यादातर क्रेडिट नमित मल्होत्रा, द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ प्राइम फोकस को जाता है। भाई ब्रह्मास्त्र मूवी प्राइम फोकस का पहला पेंडेमिक प्रोजेक्ट था, जिसमें क्लेयर एंड मीडिया ईपीआर सूट का यूज हुआ था, जिसमें हाई क्वालिटी शॉट्स और डेटा सिक्योरिटी को इंसेप्शन के साथ डिलीवर किया जाना था। फिल्म में ऑन सेट कैमरा इक्विपमेंट और स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड स्टेजेस का भी यूज हुआ है। ऑडियो इफेक्ट्स और म्यूजिक के लिए जाम 8 म्यूजिक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया गया। इन सभी के साथ हमें ब्रह्मास्त्र में इतने अच्छे सीन्स और विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 में भी इन्हीं कंपनीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रह्मास्त्र की मेकिंग एक आसान टास्क था, इसलिए इसे एवेंजर्स द एंड गेम जैसी मूवी से भी कंपेयर किया जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि एवेंजर्स में टोटल 2400 VFX शॉट्स लिए गए थे, जबकि ब्रह्मास्त्र में टोटल 4500 VFX शॉट्स लिए गए हैं, जो इसे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट हाई विजुअल शॉट्स देने वाली फिल्म बनाता है। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के ब्लॉकबस्टर होने की ही आशा है दोस्तों, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ब्रह्मास्त्र 2 में होगा। लेकिन दोस्तों अभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ब्रह्मास्त्र 2 में अब क्या होता है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है ओजस्वी। क्यों ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी से ज्यादा एंटी हीरोज को लेकर है एक्साइटमेंट? क्या इस बार SS राजमौली से लेना पड़ेगा डायरेक्टर अयान मुखर्जी को ग्रीन सिग्नल? क्या ऋतिक रोशन की हंसी बनी उनकी दुश्मन? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टर अयान मुखर्जी चाहते थे कि फिल्म को कोई और एक्सपर्ट सबसे पहले देखे और अगर कोई कमी हुई तो फिल्म में कुछ बदलाव किए जा सके। इसीलिए अयान ने डायरेक्टर SS राजमौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद जी से बात की थी और उन्हें सबसे पहले फिल्म दिखाई थी। फिर क्या था, फिल्म देखने के बाद विजेंद्र जी ने अयान से कहा कि उन्हें फिल्म में बहुत सारे बदलाव करने होंगे। फिर अयान मुखर्जी ने सभी बातों को फॉलो करते हुए फिल्म के कुछ सीन्स बदल दिए थे और जब फिर से उन्होंने विजेंद्र जी को फिल्म दिखाई तो उन्होंने फिल्म को ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि अब फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। तो क्या अयान मुखर्जी फिर से ब्रह्मास्त्र 2 के लिए भी KV विजेंद्र जी को फिल्म दिखाएंगे ताकि विजेंद्र जी फिर से फिल्म को अच्छा बनाने का आइडिया दे सके? अगर ऐसा हुआ तो अयान का ही फायदा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस बार राजमौली को फिल्म दिखाएं, क्योंकि पिछली बार राजमौली रूठ गए थे, तो ये अच्छा मौका है उनकी नाराजगी दूर करने का। फिल्मी दुनिया में अब सभी को बदमाश हीरो चाहिए जो बुरे के साथ बुरा करे और अच्छे के साथ अच्छा, और ऐसे ही हीरो अब ब्रह्मास्त्र 2 में ऑडियंस को देखने को मिल सकते हैं। जहां सभी को ये बात पता है कि फिल्म पुष्पा में पुष्पा अच्छे काम नहीं करता, फिर भी ऑडियंस उसे पसंद करती है, ठीक वैसे ही होगा फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में। ऑडियंस को ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिर देव का कैरेक्टर कौन निभाएगा, जबकि ऑडियंस को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आखिर फिल्म की कहानी क्या होगी। मेकर्स ने भी अभी तक देव के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा है। अगर ऑडियंस की डिमांड देखी जाए तो उन्हें फिल्म के हीरो से ज्यादा एंटी हीरो में दिलचस्पी है और आजकल की फिल्मों में यही तो हो रहा है। वैसे एक्टर ऋतिक रोशन के स्माइल ने मानो जैसे फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 की सबसे बड़ी मिस्ट्री को डिकोड कर दिया हो। फिल्म विक्रम मेधा के प्रमोशन के वक्त एक रिपोर्टर ने जब ऋतिक रोशन से पूछा था कि सर क्या ब्रह्मास्त्र 2 में आप देव के कैरेक्टर को निभाने वाले हैं, तो ये सुनते ही ऋतिक ने एक स्माइल दी और कुछ देर सोचने के बाद कहा ये सारी बातें अफवाहें हैं। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अयान मुखर्जी से भी जब ऋतिक की कास्टिंग को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने भी इस सवाल को इग्नोर कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऋतिक वो मुस्कुराहट के जरिए बता रहे थे कुछ कि भले ही ऋतिक देव के कैरेक्टर को निभाते हुए नजर ना आए, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र 2 में नजर आएंगे। एक कहावत है ना,
हंसी तो फंसी, और यही हुआ ऋतिक रोशन के साथ। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म में अगर ऋतिक को कास्ट किया जाएगा तो कौन से रोल के लिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या दिला पाएंगे नमित मल्होत्रा ब्रह्मास्त्र 2 को ऑस्कर? VFX के मामले में कौन सी फिल्में देती है ब्रह्मास्त्र को टक्कर? क्या ग्रैंड फिल्म बनाने के चक्कर में बन गई बचकानी फिल्म? दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से पहले इसके VFX इफेक्ट्स ने इसकी हाइप बनाई थी, और जब फिल्म बनकर हमारे सामने आई तो ये हाइप सही भी साबित हुई, क्योंकि इसके 4500 VFX शॉट्स दर्शकों को हैरान करने वाले थे। यहाँ तक कि कुछ क्रिटिक्स का ये तक मानना है कि ब्रह्मास्त्र के विजुअल इफेक्ट्स ने इंडियन सिनेमा में एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया है। अब आपको बताते हैं कि ये VFX तैयार किसने किए थे। एनिमेशन और VFX की दुनिया के बाद शाह कंपनी यानी DNEG प्राइम फोकस ने ब्रह्मास्त्र के विजुअल इफेक्ट्स तैयार किए थे। इस कंपनी के CEO हैं नमित मल्होत्रा, जो कि अब तक अपने काम के लिए 7 बार ऑस्कर जीत चुके हैं। इंसेप्शन, टेनेट और फर्स्ट रनर जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए भी नमित ने VFX तैयार किया था। ब्रह्मास्त्र के लिए काम करने के बाद उन्हें इंडियन फिल्मों का अंदाज़ा लगा होगा। नो डाउट कि काम अच्छा था, लेकिन अब नमित समझ गए होंगे कि ऑस्कर जीतने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। ब्रह्मास्त्र 2 के लिए वो सारी गलतियां जो पहले पार्ट में हुई हैं, जैसे कुछ सीन में रियलिटी की कमी और VFX के एक्शन सीन में रोमांस का बीच में आना जाना, वो अब इस फिल्म में हटाया जाएगा। और उम्मीद है कि ब्रह्मास्त्र 2 को नमित ऑस्कर दिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। ब्रह्मास्त्र ने VFX पर अच्छा खासा बजट खर्च किया और अभी तक के सबसे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देने वाली फिल्मों में से एक बनी है। लेकिन कुछ फिल्में इंडियन सिनेमा की ऐसी भी है जो ब्रह्मास्त्र से काफ़ी पहले आई और इसे ज़बरदस्त टक्कर भी देती है। इस लिस्ट में शामिल है रावण, क्रिश 3, मगधीरा, बाहुबली सीरीज जैसी फिल्में। बाहुबली के एक छोटे से सीन जिसमें तमन्ना भाटिया झरने के नीचे वाला सीन है, उसमें तक VFX का खूबसूरती से इस्तेमाल करके ब्लू स्क्रीन को झरना बनाया गया था। लहराता हुआ लंबा दुपट्टा दिखाया गया था और उनकी पीठ पर तितलियां दिखाई दी गई थी। साथ ही इस फिल्म में शिवगामी देवी का बच्चे को हाथ में लेके उठाने वाला सीन भी मिनरल वाटर की बोतल से शूट किया गया था। क्या कमाल का VFX था जो हमें एकदम असली लगा। वहीं शाहरुख खान की फिल्म रावण में भी शाहरुख का हवा में उड़ना, गाड़ियां उड़ाना काफी रियलिस्टिक था। आजकल फिल्म निर्माता अपनी फिल्म्स को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए VFX का इस्तेमाल करते हैं। VFX का प्रयोग होते ही फिल्म अपने आप कहीं ना कहीं मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ जाती है। ऐसे ही कुछ ब्रह्मास्त्र के साथ भी हुआ। VFX पर इतना ज्यादा ध्यान दे दिया गया था कि कहानी और डायलॉग्स पीछे छूट गए। जिस सोच के साथ कहानी लिखी गई थी, निर्माता और निर्देशक वैसा इसे स्क्रीन पर नहीं दिखा पाए थे। आलिया के हिस्से में आने वाले डायलॉग्स काफी बचकाने थे। जब हम संस्कृति जैसे विषय को फिल्म के लिए चुनते हैं तो भाषा भी उसी हिसाब की होनी चाहिए। इन कारणों से फिल्म ग्रैंड लुक देने के बावजूद अंदर से कुछ बचकानी लगती है। उम्मीद है कि ब्रह्मास्त्र 2 में VFX के साथ डायलॉग्स पर भी काम किया जाने वाला है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताएं कि आपको किस फिल्म का VFX सबसे ज्यादा पसंद है। इंडियन सिनेमा का अपना सुपर हीरोज का यूनिवर्स बनाने निकले अयान मुखर्जी ने पहला स्टेप तो काफी अच्छे से पार कर लिया, और पार्ट 1 को सभी ने अच्छे रिस्पॉन्सेज भी दिए हैं, अगर डायलॉग्स वाले पार्ट को छोड़ दे तो। लेकिन अब चैलेंज ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर है, क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशंस इस बार काफी बढ़ चुकी है, चाहे हम बात करें VFX की या बात करें स्टोरी लाइन की। इस बार फैंस के पास कंपेयर करने के लिए काफी चीजें होंगी। रणबीर की एक्टिंग से लेकर फिल्म के सॉन्ग्स तक हर चीज में इस बार नजरें होंगी। लेकिन अभी फैंस को इन सब के लिए थोड़ा सा ना इंतजार करना होगा। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र 2 के ऐसे सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रोल काफी इम्पोर्टेंट होगा, और वो है पावर्स, जिसके ऊपर पूरा एस्ट्रावर्स डिपेंडेंट है। पार्ट 1 जहां शिवा और उसकी लाइफ पे बेस्ड थी, वहीं अब पार्ट 2 देव के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। और ये तो शायद हमें भी पता है
कि देव के पास शिवा से भी ज्यादा शक्तियां हैं। वही इन दो मेन कैरेक्टर्स के अलावा भी एक और कैरेक्टर है जिसे ब्रह्मास्त्र उतना ही प्यारा है जितना शिवा और देव को है। वेल, सोर्सेस की माने तो इस एस्ट्रावर्स में सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट खुद शिवा के गुरु यानी गुरु अरविंद ला सकते हैं। हमें पता है कि गुरु अरविंद के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन पार्ट वन में उनका सही इस्तेमाल नहीं दिखाया गया था। इस पे सभी फैंस का यही मानना है कि पार्ट टू में इनको रिवील किया जाएगा और कहीं ना कहीं फिल्म में और जान डाल दी जाएगी। पार्ट वन में हमने देखा कि शिवा के कई बार अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने पर गुरु अरविंद उसको सही बात नहीं बताते, क्योंकि कहीं ना कहीं देव के विलन बनने में गुरु अरविंद का हाथ है, जो कि पार्ट टू में रिवील किया जा सकता है। अब ये जितना शॉकिंग आपके लिए लग रहा होगा उतना हमारे लिए भी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर गुरु अरविंद को ब्रह्मास्त्र चाहिए था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं लिया था। तो आपको बता दे कि स्टार्टिंग में देव जो इनके साथ एक ही गुरुकुल में थे उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, उनके होते ब्रह्मास्त्र को पाना इतना आसान नहीं था, और अब उनका बेटा शिवा गुरु अरविंद की मदद करेगा इस ब्रह्मास्त्र को पाने में। वेल, ये तो समय बताएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। 9 सितंबर इस तारीख को आप भूले तो नहीं होंगे ना दोस्तों, क्योंकि इसी दिन रिलीज हुई थी एक फिल्म जिसे देखने के बाद हॉलीवुड वालों को भी चक्कर आ चुके थे, और इस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र, जिसने दोस्तों 9 तारीख को अपनी पहली एनिवर्सरी मनाई। पर पहली एनिवर्सरी के मौके पर फैंस डायरेक्टर अयान मुखर्जी से ब्रह्मास्त्र 2 का गिफ्ट मांगने लगे। चलिए दोस्तों, इतना बड़ा गिफ्ट भी पॉसिबल नहीं है, पर कोई अपडेट तो दे देते, वो भी नहीं दिया। देव का नाम भी बता देते, ये भी नहीं किया। वैसे देव से याद आया, आपको क्या लगता है देव का कैरेक्टर कौन निभाएगा? वैसे ये सवाल बहुत पुराना है, इसमें बहुत चर्चा भी हो चुकी है, पर दोस्तों अयान की फिल्में इस तरह की होती है ना कि वो बार बार कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब जैसे कि दिमाग में ख्याल आया कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर शिवा बने थे, और अब ब्रह्मास्त्र 2 में उनके पिता देव का कैरेक्टर नजर आएगा, उनकी माँ अमृता की कहानी बताई जाएगी, और देव के कैरेक्टर के लिए रणबीर सिंह और अमृता के कैरेक्टर के लिए दीपिका पादुकोण का नाम चर्चा में है। पर दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रणबीर देव बनने के बजाय रणबीर ही देव बने? अब दोस्तों देखा जाए तो रणबीर इस पूरी फिल्म के शो स्टीलर रहे, पूरा फोकस उन पर था, और ब्रह्मास्त्र 2 में देव पर फोकस होने वाला है। अब रणबीर ने अपना कैरेक्टर पहले ही डेवलप किया है, तो इसी बीच रणबीर को लाने की क्या जरूरत है? रणबीर के कैरेक्टर पर अयान ने इतना फोकस किया है कि वो सेकंड पार्ट में भी आराम से डबल रोल निभा सकते हैं, हीरो टू विलन बन सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी सिर्फ कैमियोस करवाए गए दोस्तों, क्योंकि आखिरकार रणबीर ही तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। इसलिए अगर रणबीर को ही देव बनाया जाता है तो इस कहानी में इंटरेस्ट, सस्पेंस, ट्विस्ट, कन्फ्यूजन सब कुछ बढ़ जाएगा और काफी मजा भी आएगा। पर अगर ऐसा हुआ तो जवान की कॉपी हमें नजर आएगी, जवान की कॉपी तो नहीं पर सिमिलैरिटी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जवान में दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की बीवी बनी थी और उनकी माँ भी बनी थी, इस तरह इसमें भी वो रणबीर की माँ बनेंगी और रणबीर की बीवी भी बन सकती हैं, और इन दोनों फिल्मों में दीपिका एक कॉमन पॉइंट है। वैसे अगर डीपी रणबीर की बीवी बनती हुई नजर आती है दोस्तों, तो उनका अधूरा रह चुका सपना फिल्म में पूरा हो जाएगा। अरे अरे दोस्तों, इतनी फ्रीली बातें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में ही कोई मनमुटाव नहीं रखते, हम साथ साथ हैं वाली वाइब्स देते हैं, तो फिर हम तो बात कर ही सकते हैं, इसमें डरना क्या। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब हम आराम से ये कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगा, वहां पर कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इंडिया हर हाल में सबका बाप जो है। पर अगर बाप और बेटा दोनों ही पावरफुल हो तो कैसे तय करेंगे कि कौन जीतेगा? आप समझ गए होंगे कि हम शिवा और उसके पिता देव की बात कर रहे हैं। शिवा यानी रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र में हमने आग से खेलते हुए देखा था, पर वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वही VFX के जरिए दिखाया गया देव काफी वॉयलेंट और पावरफुल नजर आया, और एक पॉइंट पर शिवा ने भी देव के जितना पावरफुल अंदाज दिखाया। पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पूरी तरह से देव पर फोकस करने वाली है, क्योंकि इसमें हमें देव की सच्चाई पता चलेगी और उसका सामना शिवा से होते हुए नजर आएगा। अब शिवा जो उसका ही अंश है, उससे लड़ते वक्त वो अनजान होगा कि वो उसका बेटा है, या फिर अनजान होते हुए भी वो फाइट करेगा, ये देखना ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर शिवा और देव में जीतेगा कौन, बताओ बताओ। अगर हम कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल का एग्जांपल ले लें तो दोनों ही पावरफुल नजर आते हैं, जिसमें रेड स्कल के बाप कैप्टन अमेरिका के जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ऐसा ब्रह्मास्त्र 2 में भी होगा। देखिए, फाइट जितनी तगड़ी होती है उतना देखने में भी मजा आता है,
और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हीरो विलन से लड़ते वक्त काफी स्ट्रगल करता है तब वो ऑडियंस की नजर में पावरफुल बन जाता है, और वो जितना स्ट्रगल करेगा ऑडियंस की नजर उसी पर रहेगी, और उसके स्ट्रगल को और मुश्किल बनाने के लिए विलन भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शिव और देव के बीच में महा मुकाबला है जिसमें कौन किसका बाप बनता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या पता ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते इन्हें अपने बाप बेटे होने का सच पता चल जाए और ये दोनों हाथ मिलाकर उस मास्टरमाइंड से मुकाबला करे, जैसे फिल्म सूर्यवंशम जिसने सोनी मैक्स पर कब्जा कर लिया है। उसके क्लाइमैक्स में हमने देखा कि कैसे अमिताभ बच्चन जो बाप और बेटे के कैरेक्टर्स में नजर आए वो एक साथ आते हैं और मिलकर दुश्मन को खत्म कर देते हैं। पर अब इसमें देव विलन होगा या हीरो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जहां तक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 इस तरह का टाइटल रखा गया है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी विलन पर इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाई जा रही हो। विल इस पर आपका क्या कहना है? कैसे हुआ करते थे रणबीर? क्या है रणबीर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? क्या है ब्रह्मास्त्र 2 की लेटेस्ट न्यूज? कपूर खानदान के लाडले रणबीर कपूर आज 28 सितंबर को 35 वर्ष के हो चुके हैं। रणबीर का जन्म मुंबई में हुआ था। राज कपूर के पोते और ऋषि कपूर नीतू कपूर के बेटे रणबीर की गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में होती है। रणबीर ने बॉलीवुड को रॉक स्टार, बर्फी, रॉकेट सिंह और ये जवानी है दीवानी जैसी बेहतरीन फिल्में दी है। आज के युवा एक्टर्स की बात करें तो रणबीर को बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर कहना ना गलत बात नहीं होगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ रणबीर की पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही है। दीपिका पादुकोण, नरगिस, नंदिता और कई हसीनाओं के साथ इनका नाम जुड़ा। रणबीर का कैटरीना कैफ के साथ भी सबसे लंबा अफेयर चला था। फिलहाल उन्होंने आलिया भट्ट से शादी कर ली है। आपको बता दें कि रणबीर और आलिया अब ब्रह्मास्त्र 2 की तैयारियों में लग चुके हैं और इसकी स्क्रिप्टिंग पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। खैर, रणबीर कपूर के बारे में ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। रणबीर कपूर का नाम उनके दादाजी के नाम पर रखा गया है। एक्टर राज कपूर का असली नाम रणबीर राज कपूर था। कहते हैं कि बचपन में रणबीर कपूर को मरे हुए लोगों से बात करने की आदत थी, जैसे कि हिटलर। जी हाँ, रणबीर मरे हुए लोगों से ख्याली बातें करते थे। रणबीर ने मुंबई के HR कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करते थे। कॉलेज में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 2% थी। रणबीर आज भी अपनी माँ नीतू कपूर से 1500 रुपये पॉकेट मनी लेते हैं। वो यकीनन एक बड़े स्टार हैं, लेकिन माँ से पॉकेट मनी लेना उन्होंने बंद नहीं किया। कहते हैं 2009 तक रणबीर के नाखून उनकी माँ यानी नीतू कपूर ही काटा करती थी। रणबीर एक ममाज बॉय है। रणबीर ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड 7th क्लास में बनाई थी, लेकिन दोनों का जल्दी ब्रेकअप हो गया था। एक्टर इमरान खान की बीवी अवंतिका पर रणबीर को क्रश था। कहते हैं दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। रणबीर बेहद सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात पर उन्हें रोना आ जाता है। अब देखना ये होगा कि रणबीर ब्रह्मास्त्र 2 को कब तक अपने फैंस के बीच ला पाते हैं। ब्रह्मास्त्र 2 में किस तूफानी एक्टर की होगी एंट्री? क्या आप जानते हैं ये फैक्ट जो आर्यन ने बताए ब्रह्मास्त्र के बारे में? क्या है ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर लेटेस्ट न्यूज? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियो। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर एक तरह का सूखा पड़ा हुआ था। ऐसा बताया जा रहा था कि 2022 के अंत तक बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस से बाहर आ जाएगी। अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज हुई। फिल्म की रिलीज को लेकर कई सालों से अटकलें लगाई जा रही थी। महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग में बार बार देरी हो रही थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी फिल्म को और वापस रिलीज करने में काफी समय लगा। आखिरकार ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी की पहली फिल्म पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया। अयान मुखर्जी की साइंस फिक्शन फिल्म ने करीब 430 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट की सफलता के बाद दर्शक और फैंस दूसरी फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इस बार निर्देशक अयान मुखर्जी ने ट्रायलॉजी की दूसरी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को लेकर नजरें बिछाई हुई है।
ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव अगले साल किसी भी समय रिलीज होने वाली थी। अब निर्देशक अयान मुखर्जी ने बताया कि फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 2025 तक रिलीज होगी। अब खबर है कि पहली फिल्म की तरह दूसरी फिल्म की रिलीज में भी देरी हो सकती है। इस बार अयान का ये कहना है कि हम दूसरी फिल्म के लिए 10 साल नहीं लेंगे। अगर 10 साल बाद दूसरा पार्ट रिलीज होता है तो उस फिल्म को कोई नहीं देखेगा। दूसरी फिल्म में क्रू लिस्ट कौन है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म में होंगे, कौन निभाएगा देव का रोल, ये सवाल ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के ऐलान के बाद से ही चारों तरफ घूम रहा है। कभी रणवीर सिंह का नाम आता है, कभी यश का, तो कभी ऋतिक रोशन का। कौन सा स्टार नजर आएगा देव के रोल में, इस सवाल का जवाब अयान ने अभी तक नहीं बताया है। उनके मुताबिक इसका जवाब जानने के लिए भी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अयान ने कहा कि वो करीब 7 साल से ब्रह्मास्त्र के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। वो अपनी ड्रीम फिल्म को पूरी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, भले ही इसमें थोड़ा और समय लग जाए। इसीलिए दर्शकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेकअप सेट के निर्देशक फिल्म में जल्दबाजी करने से कतरा रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको इस फिल्म का कितना है इंतजार, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की वजह से जोरदार चर्चा में है। वैसे चर्चा में रहने के लिए उन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं है, पर फिल्म को लेकर काफी एंटिसिपेशन है। अब इसी बीच उनकी जो दूसरी फिल्म है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, उसे लेकर रणबीर ने कुछ कहा है। वो इस बार चुन चुन कर बदला लेंगे, मगर किससे बताते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड 431 करोड़ का कलेक्शन किया था, पर उसकी असली वजह थी उनकी अच्छी स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और VFX। इस मामले में ब्रह्मास्त्र ने कई रिकॉर्ड्स भी सेट किए थे, और डायरेक्टर अयान मुखर्जी के डायरेक्शन को लोगों ने ग्रैंड सल्यूट किया था, पर इस फिल्म के डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर हुसैन दलाल ने कहा था कि लोगों को अगर डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो गाली दे रहे हैं, तो ठीक है, एटलीस्ट वो डायलॉग सुन तो रहे हैं, मैं उनकी गाली को भी गले लगा सकता हूँ क्योंकि कुछ तो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। मतलब इन भाई साहब की सोच तो देखिए दोस्तों। उसके बाद जब फिल्म OTT पर रिलीज होने वाली थी, तब अयान ने बताया था कि डायलॉग्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, और ईशा और शिवा यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर की केमिस्ट्री को लेकर भी कुछ एंगल्स जोड़े गए हैं, पर इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आए। पर अब रणबीर ने कहा है कि जो भी क्रिटिसिज्म मिला है वो उस पर जरूर काम करेंगे, केमिस्ट्री और डायलॉग्स दोनों ही बेहतर होंगे। अयान मुखर्जी ने उन्हें स्क्रिप्ट भी सुनाई है जो ब्रह्मास्त्र से भी 10 गुना बढ़िया है। फिलहाल अयान वॉर 2 में बिजी हैं, पर वो हो सकता है कि अगले साल के मिड तक या फिर 2025 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। चलो अभी रणबीर ने प्रॉमिस किया है तो फिर बहुत ही बढ़िया सरप्राइज हमें मिलने वाला है। वैसे इस बार कहानी सिर्फ शिवा की नहीं बल्कि उसके पिता देव और अमृता यानी कि उसकी माँ की भी होगी। अब देव कौन होगा वो तो पता नहीं, जिसे लेकर कभी रणबीर सिंह तो कभी रणबीर कपूर इस तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं दोस्तों, पर अमृता तो दीपिका पादुकोण बनी है, जिन्हें हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं इस फिल्म में। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति। जहां हर कोई रणबीर कपूर की हाल ही पर रिलीज फिल्म एनिमल की तारीफ और आलोचना करने पर व्यस्त है, यहां उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो ब्रह्मास्त्र की अगले 2 पार्ट्स के बारे में अपडेट के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म ट्रायलॉजी के पार्ट 2 की रिलीज के लिए तैयार है। पहले पार्ट के अपने बेहतरीन कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव ने सितंबर 2023 में अपने रिलीज के 1 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं चाहते कि ये फिल्म 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन की सह कलाकार, इसमें शाहरुख खान भी स्वदेश के मोहन भार्गव के रूप में एक क्यामी भूमिका में दिखाई दी है। अब नवीनतम अपडेट में निर्माताओं ने आखिरकार रणवीर सिंह को इसमें शामिल कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र 2 में शिव, रणबीर कपूर के पिता दीप की भूमिका निभाने की कतार में शामिल हो गए हैं। खैर, रणवीर सिंह द्वारा इस किरदार को निभाने की अटकलें वेब पर फैंस की थ्योरी सामने आने के बाद सुर्खियां बनने लगी है। रणवीर सिंह फिल्म के लिए आखिरकार वोट पर आ गए हैं क्योंकि फिल्म के 2025 तक करोड़ पर जाने की उम्मीद है। दोस्तों, रणवीर सिंह को देव की भूमिका निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया है, जो रणबीर का फिल्म में पिता का रोल होने वाला है, उन्होंने फिल्म साइन कर ली है। हालांकि दूसरे भाग की स्क्रिप्टिंग अभी भी प्रोसेस पर ही है और फिल्म 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।
कदाल। निर्देशक अयान मुखर्जी वॉर टू पे बेस्ट है, जबकि रणवीर इस साल बाजू बावरा की शूटिंग करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणवीर 2024 के मिड में संजय भंसाली की बाजू बावरा की शुरुआत करेंगे, जबकि ये निर्णय दिया गया था कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग 2025 की शुरुआत में शुरू होगी। अब ये कहा जा रहा है कि डॉन 3 लगभग उस समय फ्लोर पर जाएगी। पूरी संभावना है कि रणवीर पहले डॉन 3 और फिर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग करेंगे। ब्रह्मास्त्र 2 के अलावा रणवीर सिंह के पास फिल्मों की एक रोमांचक कतार है। एक्टर रोहित शेट्टी की सिंघम अगे, संजीव भंसाली की बैजू बावरा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की डॉन 3 में भी दिखाई देंगे। और अब अयान निर्देशित फिल्म में भी वो जुड़ चुके हैं। तो आप रणवीर सिंह को रणबीर कपूर के ऑन स्क्रीन पिता की भूमिका निभाते देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। ऐसी तो फिल्म की कहानी को घुमा फिरा कर दिखाने में मेकर्स एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में मेकर्स ने कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, जिसमें से एक थी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एंट्री, वो भी रणवीर कपूर की लाइफ में। दोस्तों वैसे ब्रह्मास्त्र 2 में आलिया और दीपिका पादुकोण का कनेक्शन दिखाया जाएगा, जिसमें आलिया के अतीत के बारे में भी दिखाया जाएगा। दोस्तों जिसमें यह भी दिखाया जाएगा कि दीपिका ने ही आलिया को भेजा था शिवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना कौन शिवा की रक्षा करता। दोस्तों यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में जब रणबीर आलिया को दीपिका के बारे में बताते हैं दोस्तों, तो लास्ट में आलिया कहती है कि वो सारी बातें जानती है और समझती भी है। तो ऐसा हो सकता है कि दीपिका और आलिया में जरूर कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो। वैसे दोस्तों फिल्म में क्या कनेक्शन होगा पता नहीं, पर इन दोनों की लाइफ में आर के नाम का कनेक्शन जरूर है। वैसे दोस्तों अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय जुनून के कैरेक्टर में नजर नहीं आती अगर उन्होंने आखिरी गेंद में छक्का नहीं लगाया होता। तो दोस्तों शाहरुख खान के सामने तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, तो मौनी कौन से खेत की मूली है भाई। लेकिन मौनी शाहरुख के सामने नहीं बल्कि अपने क्रश एक्टर रणबीर के सामने कोई भी सीन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर डायरेक्टर अयान मुखर्जी काफी नाराज हुए थे। दोस्तों यहां तक कि उन्होंने मौनी को आखिरी मौका देते हुए कहा था कि अगर मौनी तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो वो हम तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे और शूटिंग पूरी करेंगे। दोस्तों फिर क्या था, इतना सुनते ही मौनी इमोशनल होने के साथ साथ सीरियस भी हो गई और जिसके बाद उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि वहां बैठे सभी लोग मौनी के लिए तालियां बजाने लगे थे। मतलब दोस्तों ब्रह्मास्त्र 2 में इस बच्ची ने अपनी जगह फिक्स कर ली है। और दोस्तों जहां एक तरफ रणबीर को लेकर मौनी को डांट खानी पड़ी, तो वहीं रणबीर खुलेआम फिल्म के अंदर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आए हैं, वो भी अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ में। हुआ ये था दोस्तों कि जब रणवीर अनाथालय के बच्चों से मिलने गए थे तो आलिया को साथ लेकर गए थे। रणवीर ने सभी के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर परफॉर्म भी किया था और बाद में आलिया भी इस गाने पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। दोस्तों जब इसके बारे में कैटरीना से पूछा गया तो कैटरीना ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं देखी है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि रणवीर ने उस गाने पर अच्छे से परफॉर्म किया होगा और आलिया भी अच्छे से रणवीर का साथ देते हुए नजर आई होंगी। वाह दोस्तों, मतलब ये लोग तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहते और फिल्म देखे बिना ही इन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है। पर दोस्तों जो भी हो, लेकिन ऑडियंस तो फिलहाल इस उम्मीद में बैठी है कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर है चंदन पंडित। सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। अपनी इमेज को सालों साल कायम रखना शायद बहुत मुश्किल साउंड हो, लेकिन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने इस बात को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। अपने परफॉर्मेंस के दम पे अमिताभ जी आज तक बॉलीवुड में बने हुए हैं और उनके इसी परफॉर्मेंस को नया रूप दिया है अयान मुखर्जी के ब्रह्मास्त्र ने। ब्रह्मास्त्र में अमिताभ जी गुरु अरविंद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और जितना सिंपल आपको इनका कैरेक्टर लग रहा है ये उतना है नहीं। अयान ने पार्ट 1 में बखूबी तौर से उनके कैरेक्टर को डाउन लाइटिंग में रखा है, क्योंकि इस ट्रायलॉजी के ग्रे कैरेक्टर्स में से एक है गुरु अरविंद। जिन्होंने पार्ट 1 में देखा होगा उन्हें पता होगा कि गुरु अरविंद और शिवा के पेरेंट्स एक साथ ही गुरुकुल में थे, सब एक साथ एस्ट्रो की नॉलेज ले रहे थे,
लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि पूरा गुरुकुल खत्म हो गया। जिस तरह से उनके कैरेक्टर को मिस्टीरियस रखने की कोशिश अयान ने की है ना, उसमें वो शायद कामयाबी हो जाते, लेकिन सिनेमा लवर्स के नजरों से वो कहां बच पाएंगे। गुरु अरविंद के कैरेक्टर को लेकर फैंस का ये भी कहना है कि इस फिल्म के सबसे बड़े प्लॉट मेकर वही बन सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया, हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिवा के पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुरु अरविंद ने अपने फायदे के लिए करवाई थी। उन्हें लगने लगा था कि देव काफी खतरनाक होता जा रहा है और देव ब्रह्मास्त्र उनसे पहले हासिल कर लेगा, तो बस फिर किया। ब्रह्मास्त्र और उनके बीच के अड़चन देव को हटाने के लिए उन्होंने देव और अमृता के बीच एक युद्ध करवा दिया जिसमें उनका पूरा गुरुकुल खत्म हो गया। ऐसे में सभी फैंस का यही मानना है कि शिवा के द्वारा भी गुरु अरविंद ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहते थे और शिवा के पेरेंट्स के मरने में भी उन्हीं का हाथ है। ये राज भी अभी तक उन्होंने शिवा से छुपा के रखा है। अब इस बात में कितना दम है ये तो अयान मुखर्जी ही जानते हैं, लेकिन पार्ट टू में इनके कैरेक्टर को कैसा दिखाया जाएगा इस पे सभी की नजरें रहने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या अमिताभ जी खोलने वाले हैं पार्ट टू में एस्ट्रावर्स के इम्पोर्टेंट राज? हमें क्या अमिताभ बच्चन होंगे फिल्म में? क्या ब्रह्मास्त्र 2 और 3 है डेंजर में? क्या फैंस को नहीं पसंद आया लव एंगल? ब्रह्मास्त्र में गुरुजी यानी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग रहा। फिल्म रिलीज के बाद गुरुजी को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो थ्योरी सामने आ रही है, वो भी एक दूसरे के अपोजिट। पहले तो ये कहा जा रहा है कि गुरुजी कोई और नहीं बल्कि शिवा के नाना यानी अमृता के पिता हो सकते हैं जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो विलन भी हो सकते हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि गुरुजी की वजह से ही अमृता और देव अलग हुए और उनके बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई क्योंकि ना तो अमृता को और ना ही देव को ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, गुरुजी ही थे जो उसे पाना चाहते थे। अब जो व्यूअर्स को ब्रह्मास्त्र देखने का मौका मिला है तो उन्होंने फिल्म की स्टोरी और फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया है। लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 एक फैन थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एक प्रीक्वल होने वाला है। इसमें ये दिखाया जाएगा कि आखिर देव कैसे विलन बना, जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। लेकिन फिलहाल ये बात गौर करने वाली है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 क्यों मुश्किल में दिखाई दे रही है। दरअसल ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के प्रोडक्शन हाउस डिज्नी और धर्मा प्रोडक्शंस थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दोनों ही प्रोडक्शन हाउस ब्रह्मास्त्र के सीक्वल्स में नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि ये एस्ट्रोवर्स आईपी को पूरी तरह से बेचने का प्लान बना रहे हैं। इससे अयान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जियो स्टूडियोज इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है और आगे सीक्वल्स और एनिमेशन को अयान के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र के वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने की सबसे खास वजह उसमें दिखाए गए एनिमेशन को ही माना जाता है। अगर जियो स्टूडियोज इसे खरीदते हैं तो क्या पार्ट 1 जैसे अमेजिंग विजुअल्स दे पाएंगे, ये तो देखना दिलचस्प होगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में मेकर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को फैंस ने पसंद नहीं किया था। दरअसल इस मूवी को एवेंजर्स से बहुत कंपेयर किया गया था, चाहे वो सिनेमैटिक विजुअल्स हो या एडवेंचर और मैजिक। लेकिन कई व्यूअर्स का कहना है कि इसमें लव एंगल नहीं होना चाहिए था। कुछ को इसमें ईशा का कैरेक्टर काफी इरिटेटिंग लगा। फैंस का कहना था कि कहानी को सिर्फ रहस्यों की दुनिया के आसपास प्लॉट करना चाहिए था, लेकिन अयान ने शायद इसलिए ऐसा किया क्योंकि बॉलीवुड की मूवी रोमांस और लव स्टोरी के बिना अधूरी मानी जाती है। ब्रह्मास्त्र 2 में लव एंगल के हटने के काफी कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है अयान फैंस को खुश करने के लिए ऐसा भी कर दे। वेल, इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। आखिर हिट देने के बाद भी आलिया टॉप लिस्ट में क्यों नहीं है? रणबीर कपूर ने क्यों की शाहरुख खान की तारीफ? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद फिल्म ब्रह्मास्त्र ने ओटीटी पर भी लोगों का दिल जीता। एक तरफ जहां बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही थी दोस्तों, उसी बीच ब्रह्मास्त्र का जलवा देखते ही बना। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की बल्कि दर्शकों का दिल भी जीता। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के कैमियो ने तो इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए दोस्तों। जब इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी पर रिलीज हुआ तो यह हर जगह छा गई। इस बार गूगल सर्च में फिल्म ब्रह्मास्त्र टॉप सर्च में रही है दोस्तों।
गूगल की नई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने केजीएफ 2, कंतारा, पुष्पा, द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर जैसी कई बड़ी फिल्मों को गूगल सर्च के मामले में पीछे छोड़कर नंबर वन पर अपनी जगह बनाई थी। दोस्तों, अब तक आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और उर्फी जावेद ने काफी नाम कमाया है। ये वो एक्ट्रेसेस हैं जो इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने के बावजूद भी सेलेब्स के नाम सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि इस साल गूगल पर जिस एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है वो है सुष्मिता सेन। तो अपने दमखम पर जीवन जीने वाली एक्ट्रेस को हिम्मत और जीतने का जज्बा घुटी में मिला हुआ है। दोस्तों, तभी साल 1994 में मिस यूनिवर्स कंपटीशन में अंग्रेजों से पूछे जाने वाले सवाल का मतलब समझ नहीं आने पर भी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देकर ताज उन्होंने अपने नाम किया था। दोस्तों, अब हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाली कई लोग अंग्रेजी भाषा को लेकर ही इन भावना का शिकार होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाली सुष्मिता ने बरसों पहले बता दिया था कि ज्ञान और जानकारी जरूरी है, भाषा कोई भी हो चाहे। सुष्मिता सेन ने बताया था कि जब मिस यूनिवर्स कंपटीशन के फाइनल राउंड में उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्हें अंग्रेजी के एक शब्द का मतलब ही समझ नहीं आया था, फिर भी उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देकर जजेस का दिल जीत लिया था। दोस्तों, तब सुष्मिता को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें इस बात को बताने में भी कोई हेजिटेशन नहीं हुई, वो नॉलेज में भरोसा रखती है, लैंग्वेज में नहीं। वहीं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को दर्शकों से बहुत प्यार और सराहना मिली है। वहीं एक स्टैंड आउट सीक्वेंस जिसे सिनेमाघरों में दर्शकों से सबसे ज्यादा ताली और तालियां मिली है दोस्तों, वो है शाहरुख खान के साथ वानर अस्त्र के रखवाले का सीन। शिव की भूमिका निभाने वाले रणबीर कपूर ने शाहरुख की तारीफ की और कहा, हम सभी एक्टर्स हैं और जब हमसे पूछा जाता है गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए नॉर्मली एक या दो दिन होते हैं जिसे करने के लिए हम रेडी होते हैं, लेकिन मिस्टर शाहरुख खान उन्होंने 10 दिनों के लिए शूटिंग की थी। दोस्तों, अब लोगों को उम्मीद है कि इसका अगला पार्ट यानी कि ब्रह्मास्त्र 2 भी धमाकेदार होगी। इसकी स्टोरी को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में। अब देखना यह है कि कब रिलीज होगी ये मूवी। आप अपना कॉमेंट सेक्शन में व्यू हमें जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और वीएफएक्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, यह हमें अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र देखने के बाद पता चला। तो वहीं ओम राउत के आदि पुरुष देखने के बाद माइथोलॉजी और वीएफएक्स कैसे मिसमैच कपल की तरह है, दोस्तों ये भी पता चला। खैर, हम ब्रह्मास्त्र पर फोकस करते हैं जिसका अभी दूसरा पार्ट आने वाला है। कैसे दोस्तों, अब फिल्म को लेकर अब मार्केट में कई सारी थ्योरीज आ रही है, क्योंकि इस फिल्म का एक कॉन्सेप्ट आर्ट जब से रिलीज हुआ है तब से लोग दिमाग को काम पर लगा चुके हैं। बस एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ब्रह्मास्त्र 2 ये शिव के पिता देव पर बनने वाली है, तो देव से हम इसे ब्रह्म देव के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्सेप्ट आर्ट के मुताबिक जहां पर बहुत सारे अस्त्रों के साथ शिवा देव पर अटैक करता है वो इसलिए भी हो सकता है ताकि वो देव का अहंकार खत्म कर सके। वही ब्रह्म देव को पांचवा सिर जब मिला था तब उनका अहंकार बढ़ चुका था, उन्हें लगा कि वही दुनिया में सबसे पावरफुल है, तो इसी अहंकार को खत्म करने के लिए शिव ने उनका पांचवा सिर उड़ा दिया यानी उनके अहंकार को खत्म कर दिया। अब यहाँ भी अहंकार खत्म होगा पर कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें कोई पांचवा सिर देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों। और दूसरी बात बता दें कि देव के हाथ में त्रिशूल है जो भगवान शिव का अस्त्र है। वैसे ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्म प्लस अस्त्र, जिसे ब्रह्मदेव ने ही क्रिएट किया, जो सबसे पावरफुल है और जो ब्रह्मदेव को ही खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, वो देव ब्रह्मास्त्र यानी पावर्स पाने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए और अहंकार और एम्बिशन लालच एक साथ आ जाए, इसका मतलब इंसान हीरो से विलन बन जाएगा, जिसकी वजह से अमृता देव को छोड़कर चली जाएगी। पर दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पाने का लालच देव के अंदर खुद ब खुद आएगा या कोई और उसे भर देगा जो असली मास्टर माइंड है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पर उस मास्टर माइंड के खेल से देव भी अनजान होगा और अमृता भी। दूसरा मोशन पोस्टर जो है जिसमें अमृता देव को रोकने की कोशिश करती है दोस्तों, वो इसलिए भी हो सकता है ताकि देव उस मास्टरमाइंड से लड़े ना और या फिर उस मास्टरमाइंड का मकसद पूरा करने ना जाए। वैसे दोस्तों, जो मास्टरमाइंड है जिसने देव के जरिए ब्रह्मास्त्र पाने की कोशिश की होगी, जो उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, उसके बारे में देव जान चुका होगा। और कहते हैं ना, सिस्टम में रहकर सिस्टम को सही करना, जो हमें सलमान खान की फिल्म किक में देखने को मिला था दोस्तों, कि किस तरह से वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर पुलिस डिपार्टमेंट को ही करप्शन की दुनिया से रूबरू कराते हैं। और RRR में रामचरण भी सिस्टम में रहकर सिस्टम को सुधारने या खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह जो लास्ट कॉन्सेप्ट आर्ट आता है दोस्तों, वहां पर देव त्रिशूल लेकर उस मास्टरमाइंड के असली मकसद को जानकर उसे खत्म करने जाएगा। और वहां जाने के बाद वो मास्टरमाइंड देव को खत्म करता है या वो जिंदा रहता है, इसका पता अमृता को नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे अनगिनत सवाल हैं, सीक्रेट्स हैं जो अनफोल्ड होने बाकी हैं और वो ब्रह्मास्त्र 2 के आने के बाद ही पता चलेगा। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।
सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। देव भी जरूर आएगा अपना ब्रह्मास्त्र लेने। देव इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में जानता है और वो ये भी जानता है कि वो हमारे पास है। ब्रह्मास्त्र जीता जा चुका है लेकिन जंग अभी बाकी है। जब तक मेरे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करेंगे मुझे कोई नहीं मार सकता। तैयार हो जाओ ऐसी जंग लड़ने के लिए जो तुम्हारे बस के परे है। देखने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या ब्रह्मास्त्र ही सबसे ताकतवर अस्त्र है? तो इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक अस्त्र है जिसे ब्रह्माशिरा कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र इसके बाद आता है। ब्रह्माशिरा की अगर बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है जो पहली बार अश्वत्थामा ने गुस्से में चलाया था। तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल नहीं है और हो सकता है कि ब्रह्माशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में दिखाया जाए क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का कोई यूज नहीं है क्योंकि इसकी पावर अब शिवा के अंदर है। हमें पता है कि मूवी के विलन को ब्रह्मास्त्र चाहिए और अगर आयान मुखर्जी ने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी ब्रह्मशिरा के बारे में तो ये मूवी के मेन विलन को ब्रह्मशिरा की ओर स्टैब्लिश करेंगे। पहले प्लान में पानी फिर गया तो क्या हुआ, दूसरा प्लान भी होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि देव मेन विलन है क्योंकि देव का कैरेक्टर महादेव से इंस्पायर है तो फिर देव को कैसे मेन विलन दिखाया जा सकता है। इसलिए विलन या तो गुरुजी निकलेंगे या फिर कोई और। अब ये ईशा होती है या कोई और ये तो देखने वाली बात होगी। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 को देखने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या शाहरुख खान यानी मोहन भागवत और नागार्जुन यानी अनीश दोनों मर चुके हैं? तो जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाएगी जिसमें हमें पार्ट 1 में दिखाए गए सभी कैरेक्टर के यंगर वर्जन देखने को मिलेंगे और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चलेगी। तो इसलिए ये बात पक्की है कि मोहन भागवत और अनीश हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे अपनी पास्ट स्टोरी के साथ। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद 2 लोगों पर सबसे ज़्यादा शक हो रहा है, गुरुजी और ईशा। लेकिन अगर गुरुजी और ईशा दोनों ही विलन नहीं हुए तो कौन होगा? ये सवाल कई लोगों के मन में है। इसका जवाब है जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तब उसी दौरान कास्टिंग की कुछ फोटोज भी लीक हुई थी। उन फोटो में आमिर खान नजर आ रहे थे और इस वक्त आमिर खान की कोई बात भी नहीं कर रहा। हमने फोटो के अंदर मौजूद हर कैरेक्टर को पार्ट 1 में देखा है सिवाय आमिर खान के और कई लोग का ये पता है कि देव का रोल कौन प्ले कर रहा है लेकिन आमिर खान के बारे में किसी को नहीं पता। तो हो सकता है कि वो विलेन हो। कलर्स का ना बहुत बड़ा रोल रहा है और डायरेक्टर साहब ने इस पर काफी ध्यान दिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में कई फिल्मी के लोग जानते ही होंगे लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम लोग अस्त्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद अग्नियास्त्र, जलअस्त्र, वायु अस्त्र, नंदी अस्त्र, माया अस्त्र, नागधनुष, कवच अस्त्र। सभी के कलर्स अलग अलग होते हैं लेकिन जब ये सारे अस्त्र देव की साइड पर आ जाते हैं तब सारे अस्त्रों का कलर चेंज होकर डार्क रेड बन जाता है क्योंकि देव के पास अग्नि अस्त्र था और अग्नि अस्त्र का कलर रेड होता है इसलिए सारे अस्त्र रेड कलर में चेंज हो जाते हैं क्योंकि तब देव का अग्नि अस्त्र सभी अस्त्रों पर भारी पड़ गया था और इसीलिए सबका कलर चेंज हो गया। ऐसे ही क्लाइमेक्स में भी हुआ जब ब्रह्मास्त्र का सारा टुकड़ा मिल गया और फिर सारे अस्त्रों का कलर चेंज होकर ब्रह्मास्त्र के रंग में रंग गया।
यही नहीं, आसपास की सारी चीजों का भी ना रंग ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया था, क्योंकि पहले जैसे देव के साइड पर जाने से सादे के कलर रेड हो गए थे, वैसे ही अब वो ब्रह्मास्त्र के रंग में चेंज हो गए। तो ऐसे ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डाल्टन ने बड़ी चतुराई से हमें कलर ग्रेडिंग का इम्पोर्टेंस दिखाया है। इसके साथ ही हम सब ने ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा था कि देव बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसके पास सभी अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वो कभी भी इन अस्त्रों का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाया था, क्योंकि वो एक गुफा में कड़ा था। लेकिन वो गुफा में रहते हुए भी दूसरों के जरिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। जी हाँ, और ये बात हमें फिल्म में देखने के बाद पता चल जाती है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि हमें फिल्म रिलीज होने से पहले ही बता दिया गया था कि देव सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो ये बात अजीब लग रही होगी आपको, क्योंकि पार्ट वन आकर चली गई और देव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मैं बोल रही हूँ ना कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसके बारे में हमें बता दिया गया था। तो देखिए, नॉर्मली नहीं बताया गया था, लेकिन डिटेल के तरीके से जरूर बता दिया गया था, जिससे कई लोगों ने मिस कर दिया। देखो, जब ट्रेलर अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जहां देव एकदम स्वैग से चलकर आ रहा होता है, उनके सामने ना एक बहुत बड़ा चट्टान होता है, जिसके ऊपर कई सारे अस्त्रों के प्रतीक होते हैं। पहले त्रिशूल, उसके बाद कवच अस्त्र, जिसका उपयोग फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अब उसी तरीके से बाकी सभी अस्त्र शस्त्र, या फिर वशीकरण अस्त्र हो या फिर कोई और हो, सभी अस्त्र चट्टानों पर दिखाई देते हैं। तो क्या आपने ये डिटेल्स नोट की थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रह्मास्त्र मूवी में एक सीन है जहां कहा जाता है कि जब ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई तो बहुत सारे अस्त्रों का जन्म हुआ था। लेकिन आप इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर एक अस्त्र दिखाया गया था जो टाइगर के फॉर्म में था। तो शायद ये टाइगर अस्त्र हो सकता है जिसे पार्ट वन में दिखाया नहीं गया, जो हमें पार्ट टू में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, हम यहाँ पर एक और अस्त्र को नोटिस कर सकते हैं जो गरुड़ की तरह लग रहा है, जो हो सकता है कि गरुड़ अस्त्र हो। इसके अलावा हम भालू अस्त्र भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो तीनों अस्त्र है ना, मेरे ख्याल से वो हमें पार्ट टू में दिखाई देने वाले हैं। जब पार्ट वन की शुरुआत हुई थी ब्रह्मास्त्र की, तो लिख कर आया था पार्ट वन शिवा। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो टाइटल के लेफ्ट साइड में ब्लू कलर दिखाया गया था और राइट साइड में रेड कलर, और बीच में लिखा हुआ है पार्ट वन शिवा। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने बड़ी ही चतुराई से हमें फिल्म शुरू होने से पहले ही हिंट दे दिया था कि कौन है शिवा के माता पिता। ब्लू लाइट इंडिकेट करती है अमृता को, जो है जल देवी, तो वही रेड लाइट देव को इंडिकेट करती है। हमने इस रेड ब्लू लाइट के कॉम्बिनेशन को ना कई और जगह भी फिल्म के अंदर देखा है। ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से कुछ दिनों पहले ही इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, जी हाँ, जिसका नाम था LBM-3, जिसे ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया गया है एक छोटा सा मॉडल के रूप में, जो मोहन भागवत के घर पर दिखा था। तो इससे एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि LBM-3 की इन्वेंशन टीम में ना मोहन भागवत भी थे। जी हाँ, इसके साथ ही पार्ट वन का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और पीछे ना एक सवाल भी छोड़ गया था कि दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो पार्ट वन में हमें ये पता चला कि शिवा के माता पिता कौन है और वो कितने पावरफुल थे। उसके बाद हमें पता चला कि असली अग्नि अस्त्र कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता ही थे, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ब्रह्मास्त्र को पाना। साथ ही हमें ये भी पता चला कि जो शिवा की माता है यानी कि अमृता है, वो मर चुकी है जब उनके और देव के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था, जिससे ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि शिवा की माँ को शिवा ने बचपन में ही आग से जलकर मरते हुए देखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि अमृता जल देवी थी। इनफैक्ट मौनी रॉय ने भी ना शिवा की आग को बारिश से बुझा दिया था, तो अमृता तो खुद ही एक जल देवी थी, तो वो आग से कैसे मर गई? तो उसका मतलब यही बनता है कि अमृता मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं रहा और देव भी जिंदा हो गया है। तो अब हमें पार्ट टू में ना अमृता और देव के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो दिखाई जा सकती है, और अगर वो लड़ाई नहीं देखने को मिलती है तो हमें देवा और शिवा की फाइट दिखाई देगी, क्योंकि शिवा के पास अल्टीमेट पावर आ चुकी है। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के टाइटल में देव ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी का पहला पार्ट शिवा के नाम से है। इसमें दिखाया गया है कि शिवा अपनी शक्तियों के बारे में अनजान था और कैसे उसे इन शक्तियों का पता चला और उसने उन पर काबू पाया। पहली मूवी में हमें शिवा को एक आम आदमी से एक अस्त्र में बदलते हुए देखते हैं,
जिसके कारण पहले मूवी के टाइटल में शिवा दिखता है। इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि पार्ट टू में हमें देव की कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें देव के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका स्टोरी लाइन क्या होगा? देखिए, अगर स्टोरी का अंदाजा लगाना है तो आप बाहुबली का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि बाहुबली के पहले पार्ट में उसके बेटे की कहानी दिखाई गई और दूसरे पार्ट में उसके पिता का पास्ट दिखाया गया, ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसके बाद हमें शायद थोड़ा सामरिक सीन भी दिखाया जाएगा, जहां देव बाहर आने के बाद अपने बेटे को देखकर मूवी में एबी फिर दूसरे दो कहानी समाप्त होगा। फिर तीसरे पार्ट में हमें देव अपने बेटे को मारकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते हुए दिखेंगे, या फिर उसे अपने बेटे की ओर उठाकर किसी अन्य को गुंडा बताएंगे। साथ ही चलिए देखते हैं कि क्या ऑडियंस ब्रह्मास्त्र पार्ट टू का इंतजार करेगी या नहीं। जैसे कि ऑडियंस ने बाहुबली 2 और केजीएफ 2 के लिए इंतजार किया था और अभी पुष्पा के लिए कर रही है, क्या वे उसी स्तर पर इंतजार करेंगी या देखना होगा। देखो, इंतजार करने की वजह तो है और ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रदर्शन भी की थी, लेकिन अगर हम इसकी प्रदर्शन को केजीएफ और बाहुबली से तुलना करें तो ब्रह्मास्त्र अभी भी पीछे है। लेकिन फिर भी कई सवाल है जिनके लिए हमें पार्ट टू का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कहानी बस शुरू हुई है। देखें, देव पहले कैसा था, फिर उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में कैसे पता चला, वो ब्रह्मास्त्र के पास कैसे आया, कैसे सारे अस्त्रों का उस्ताद बना, वो कैसे अमृता से मिला, आखिर में वो कैसे अंधकार की ओर चला गया, ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की, अपने प्यार अमृता से लड़ाई की, और आखिर में वो कैसे गुफा के अंदर कैद हो गया, क्या उस लड़ाई में अमृता मारी गई, और अगर मारी गई तो शिवा कैसे पैदा हुआ, और फिर उस लड़ाई में अमृता नहीं मरी तो वो जल के आग में बसने कैसे हुआ, उसके पास तो जल अस्त्र था नहीं। ज्यादातर तो हमें देव की गुफा वाली मूर्ति में दिखता है, जिसकी मदद से जुनून शिवा के ऊपर पानी बरसाती है, लेकिन यहाँ कैसे आया, क्या देव ने अमृता के पास जल अस्त्र छोड़कर चले गए, क्या, क्यों, कैसे, ये हजारों सवाल है जिन पर हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। खैर, अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय। पानी की लड़ाई में आखिर कौन जीता था, देव इस तरह पत्थर कैसे बन गया, अमृता का क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ने के बाद अब किस तरह कहर पृथ्वी पर मचने वाला है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में फैंस को इस तरह के कई सवालों के जवाब मिलना बाकी रह गए थे, जो कि वो पार्ट 2 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था कि शिवा अपनी शक्ति को जानना शुरू कर देता है, तभी अंधेरे की रानी जुनून ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए वहां पर आक्रमण कर देती है। अब शिवा, ईशा और ब्रह्मास्त्र के सदस्य सब मिलकर कैसे ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करते हैं, इस सीन से कुछ एंशिएंट वॉरियर्स के प्रकट होने की भी एक्सपेक्टेशन है, जो जुनून के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र हासिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जुनून के किरदार में इस बार भी मोनी रॉय को ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्ट्रेस मोनी रॉय सीरियल नागिन के पास से विलन रोल के लिए खूब जानी जाती है और ब्रह्मास्त्र में अब तक जुनून को ही विलन माना गया है। हालांकि ये अभी तक एक मिस्ट्री है, इसका खुलासा कहानी के शायद पार्ट 2 में कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव में अमृता का किरदार दीपिका पादुकोण प्ले करेंगी। रणवीर और दीपिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फिल्म ये जवानी है दीवानी में बहुत पसंद किया गया था। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म में भी उनकी लव केमिस्ट्री दिखाई जाती है या फिर नहीं। जैसा कि अंत में हमने जुनून नाम के एक बुरे व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र नामक किसी चीज के सभी हिस्सों को इकट्ठा करते हुए देखा, जिससे लोग वास्तव में डर गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र बेहद शक्तिशाली है और काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पार्ट 2 में ब्रह्मांड की नई शक्तियों का पता चलेगा, जैसे कि जल अस्त्र, दैविक के साथ कुछ बुरी शक्तियां जो ब्रह्मांड के विनाश का काम करेगी, उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। पार्ट 2 को सिनेमैटिक व्यू से और ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिल्म की टाइटल से ही पता चल रहा है कि कहानी देव की जिंदगी के रहस्यों और शक्तियों की होगी। देव जो ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना है, वहीं जुनून इसे हासिल करके विनाश करना चाहती है। और फैंस इन दोनों के मिलने और आपस में इनके कनेक्शन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। हो सकता है कि दोनों के मिलते ही बहुत बड़ी जंग हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों का लव एंगल दिखाया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या बाहुबली 2 से इंस्पायर्ड होगी ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, क्या ब्रह्मास्त्र ही सबसे ताकतवर अस्त्र है? इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र के ऊपर एक अस्त्र है जिसे ब्रह्माशिरा कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र इसके बाद आता है।
ब्रह्माशिरा की अगर बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, जो पहली बार अश्वत्थामा ने कुश्ती में चलाया था। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल नहीं है, और हो सकता है कि ब्रह्माशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में या फिर पार्ट 3 में दिखाया जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का कोई यूज तो रहा नहीं है, क्योंकि इसकी पावर अब शिवा के अंदर है। हमें पता है कि पम के वरण को ब्रह्मास्त्र चाहिए, और अगर अयान मुखर्जी ने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी ब्रह्माशिरा के बारे में, तो ये मूवी के मेन वलन को ब्रह्माशिरा की ओर स्टैब्लिश करेंगे। पहले प्लान पानी फिर गया तो क्या हुआ, दूसरा प्लान भी तो होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि देव मेन वलन है, क्योंकि देव का कैरेक्टर महादेव से इंस्पायर्ड है, तो फिर देव को कैसे मेन वलन दिखाया जा सकता है। इसलिए वलन या तो गुरु जी निकलेंगे या फिर कोई और, अब वो ईशा होती है या फिर कोई और, ये देखने वाली बात होगी। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 को देखने के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है, वो ये है कि क्या शाहरुख खान यानी मोहन भागवत और नागार्जुन यानी कि अनीश दोनों मर चुके हैं। तो जवाब है नहीं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें पार्ट 1 में दिखाए गए सभी कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा, और उनके यंगर वर्जन दिखाई देंगे, और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी पता चलेगी। इसलिए ये बात पक्की है कि मोहन भागवत और अनीश हम पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे अपनी पास्ट स्टोरी के साथ। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद दो लोगों पर सबसे ज्यादा शक हो रहा था, गुरुजी और ईशा। लेकिन अगर गुरुजी और ईशा दोनों ही विलन नहीं हुए तो फिर कौन होगा, ये सवाल कई लोगों के मन में है। इसका जवाब है, जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तभी उसी दौरान ना कास्टिंग की कुछ फोटोज भी लीक हो गई थी। उन फोटोज में आमिर खान नजर आ रहे थे, और इस वक्त आमिर खान की कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने फोटो के अंदर मौजूद हर कैरेक्टर को पार्ट 1 में देखा है सिवाय आमिर खान के, और कई लोगों को ये भी पता चला है कि देव का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेकिन आमिर खान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आमिर खान को मेन विलन के तौर पर कास्ट किया जाएगा, और वो इस ट्रायलॉजी के लास्ट पार्ट में नजर आए। अब जाते जाते आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को 2-3 साल पहले बॉलीवुड में वीएफएक्स कितना मैटर करता था ये तो नहीं पता, पर 2022 के बाद तो वीएफएक्स का जाप नाम ही शुरू हो गया है, वो भी अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के कारण। अब अयान ने ब्रह्मास्त्र तो बना दिया, और अब उनकी नजरें हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पर। वैसे ब्रह्मास्त्र 2 के लिए ना कंसेप्ट आर्ट बहुत टाइम पहले रिलीज किए गए थे, ताकि ऑडियंस अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दे। तो उसमें से जो एक कंसेप्ट आर्ट था जिसमें देव घोड़े पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लेकर किसी बड़े राक्षस को मारने जा रहा है, उसे देखने के बाद हमें कल्कि अवतार की याद आई, जिस पर अभी प्रभास की पंग कल्कि 2898 AD बन रही है। कल्कि भी इस तरह घोड़े पर सवार होकर कभी राक्षस को मारने निकला था, जो अपनी बुरी शक्तियों से दुनिया को तबाह करना चाहता था। तो ये गुड वर्सेस एविल बैटल तो होगी ही, ऊपर से देव बुरी शक्तियों के उस मास्टरमाइंड को खत्म करना चाहता होगा जो ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है, बुरी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है बिल्कुल कली की तरह। इसका मतलब देव तब तक अच्छा था, पर जाहिर है कि देव ने उसे मारा नहीं होगा, उसका मिशन अधूरा रह गया होगा, और तब देव को कैद कर लिया गया होगा। इसका मतलब ये कि देव विलन नहीं है, बल्कि उसे विलन प्रेजेंट किया गया है, वो भी गुरु जी के कैरेक्टर ने किया है, मतलब कि अमिताभ बच्चन ने। ऐसा भी हो सकता है कि अमिताभ एविल शक्ति के साथ जुड़े हो, और देव को रोकने के लिए उन्होंने उसे कैद कर लिया हो, क्योंकि देव को कोई राज पता चल गया हो। पर जुनून ने वो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े जोड़कर देव को आजाद किया, तो अब देव गुरुजी से बदला लेने के लिए आ सकता है, पर इस बार वो करप्ट और लालची हो चुका है ब्रह्मास्त्र के चक्कर में। पर ऐसे में क्या पता गुरुजी खुद को बचाने के लिए शिवा को यानी कि देव के बेटे को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देंगे, जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियां हैं, क्योंकि उन्होंने शिवा को आधा अधूरा बताया था देव अमृता को लेकर के, तो वो उतना ही शिवा को बता रहे होंगे जितना शायद उनके फायदे का हो। तो गुरुजी ये बैटल शक्ति से नहीं बल्कि अकल से जीतने की कोशिश करेंगे, और कोई ना कोई पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन करके शिवा को भड़का कर देव के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। उसे ये दिखा सकते हैं कि देव ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल करेगा, जो कि देव करना चाहता है, पर उस आड़ में गुरुजी ही अपना मतलब छुपा ले। इस वजह से ब्रह्मास्त्र की पावर जो शिवा के अंदर है और देव जो ब्रह्मास्त्र चाहता है, इन दोनों के बीच उस ब्रह्मास्त्र के लिए बैटल हो, जिसे बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं गुरुजी, और इसी से देव वर्सेस शिवा जंग शुरू हो जाए, जो फिल्म का तीसरा पार्ट भी हो सकता है। अब ये तो हमारी थ्योरी हो गई, पर आपके क्या थॉट्स हैं इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी।
ब्रह्मास्त्र मूवी अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती है। इसके यूनिक डायलॉग्स को भी व्यूअर्स द्वारा बहुत पसंद किया गया था दोस्तों। लेकिन क्या आपने गौर फरमाया कि फिल्म में ईशा ने कितनी बार शिव का नाम लिया है? क्या है इसके पीछे की खास वजह? भाई राइटर एंड डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने इस बारे में खुद रणवीर और आलिया से सवाल किए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म में ईशा ने कुल 103 बार शिवा का नाम लिया था। आयान का कहना था कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो वो अपने पार्टनर का बार बार नाम सुनना और बोलना चाहता है। उन्होंने इसका एक और कारण बताते हुए कहा कि जब मैं बात करता हूँ तो लोगों का नाम काफी लेता हूँ और शायद यही चीज स्क्रिप्ट में भी बनी। इन्हीं कारणों से ईशा हर बार शिवा का नाम लेती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद अपनी वाइफ की लीड फॉलो करते हुए दोस्तों रणवीर ने उनकी हाईली क्रिटिसाइज्ड और हिट मूवी में पम 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 इतनी बार कहा कि इंटरनेट पर हर जगह पॉपुलर हो गए वो। और अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के रेफरेंस में कहा जा रहा है कि चूंकि इस मूवी में लीड कैरेक्टर देव का होगा तो क्या इसमें भी देव के नाम को बार बार रिपीट किया जाएगा? वैसे इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि राइटर इस बार भी दोस्तों आयान मुखर्जी ही होंगे। आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र की कहानी मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ साथ एक्शन और कैमियोज से भरपूर है। इस मूवी में कई जाने माने एक्टर एक्ट्रेसेस के कैमियोज दिखाए गए हैं। इसमें एसआरके और डिंपल कपाड़िया भी शामिल है। दरअसल फिल्म में डिंपल को सिर्फ 2.5 सेकंड्स के लिए दिखाया गया था। पार्ट 1 में उनका कोई खास रोल नहीं दिखाया गया लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इसी वजह से फैन उनके रोल को लेकर काफी सवाल कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने इस बार दोस्तों कोई खास खुलासा तो नहीं किया है लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि लोग डिंपल कपाड़िया को देखना पसंद करते हैं तभी उनके रोल को लेकर इतने क्यूरियस हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र की कहानी रहस्यों से भरी है। इसमें हर छोटी बड़ी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है। इसी वजह से पार्ट 1 में इन कैमियोस को दिखाया गया है। इनका पार्ट 2 और 3 से बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। अब इंतजार है तो बस अगले पार्ट को रिलीज होने का। फिल्म की राइटिंग से लेकर इसके ब्लॉकबस्टर होने में आयान मुखर्जी का सबसे बड़ा रोल रहा है लेकिन क्यों प्रोड्यूसर करण फिल्म के सीक्वल्स को लेकर चुप बैठे हैं आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले ये रिवील किया गया था कि यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर आयान वॉट टू डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी के कुछ दिनों बाद आयान ने ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की मेकिंग शुरू करने को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने करण या धर्मा प्रोडक्शन को टैग नहीं किया था। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ सोर्सेस की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करण जौहर चाहते थे कि आयान पहले ब्रह्मास्त्र के सीक्वल शूट करे बाद में किसी और प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाए लेकिन आयान इन दिनों दोस्तों वॉर 2 की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। दोस्तों करण का ऐसा कहना लाजमी है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइजी पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। अब देखना होगा कि करण और आयान के फ्रेंडशिप में दूरी आएगी क्या आने वाले पांच का हिस्सा भी नहीं होंगे करण? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। मिस्ट्री एडवेंचर मैजिक ये 3 शब्द ब्रह्मास्त्र मूवी को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी है। रहस्यों की इस दुनिया में जहाँ हर पल मैजिक का नया किस्सा खुलता है तो इसमें रोमांस और एक्शन भी भर भर कर है। ब्रह्मास्त्र 2 देव की कहानी है जो देव और शिवा के पीछे कनेक्शन को सामने लेकर आएगी। शिवा ब्रह्मास्त्र के 2 सदस्यों देव और अमृता का बेटा है। देव अग्नि अस्त्र चलाने पर इतना अच्छा था कि लोग उसे अग्निदेव कहने लगे। देव शक्तिशाली था और उसे अस्त्रों का इतना शौक था कि वो उन सभी पर अपना कब्जा करना चाहता था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को कंट्रोल करना था। जैसा पार्ट 1 में दिखाया गया कि गुरुजी शिवा को ब्रह्मास्त्र की शक्तियों से रूबरू करवाने में उसकी मदद करते हैं लेकिन क्या गुरुजी खुद ही ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते थे इसलिए वो शिवा को कठपुतले की तरह रचाते हैं। खैर इसका खुलासा तो पार्ट 2 में ही हो पाएगा लेकिन अब सवाल है कि क्योंकि आगे कहानी देव की होगी तो क्या गुरुजी उसे भी कठपुतले की तरह रचाएंगे? ऐसा भी हो सकता है लेकिन ब्रह्मास्त्र इज ऑल अबाउट मिस्ट्री तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआती लड़ाई में जरूर पानी की शक्ति का भी ना उपयोग करती है। ये मैसेज देता है कि वो किसी तरह से शिव से जुड़ी हो सकती है। जरूर और शिवा ट्विंस हो सकते हैं क्योंकि गुरु जी के अकॉर्डिंग अमृता प्रेगनेंट थी। जरूर के पास पानी की शक्ति थी जो शायद उसे अपनी माँ अमृता से मिली हो। कई व्यूअर्स को लगता है कि ईशा पे हमने अब तक जो देखा उससे उसका किरदार कई ज्यादा है। आयान ने बार बार कहा है कि ब्रह्मास्त्र की स्टोरी में ईशा का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता तो आयान ऐसा नहीं कहते। फिल्म को लेकर कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं पर प्रमोशन के दौरान कुछ फोटोज ना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। जी हां तस्वीरों में ईशा की उंगली में ना एक अंगूठी दिखाई दे रही है और यही अंगूठी एक सीन में देव के हाथों में भी देखने को मिली थी। बस इतना व्यूअर्स के लिए ना काफी है। उसके बाद तो वो खुद ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। आयान मुखर्जी ने भी देख सोचा होगा कि ये चीज लोग इतनी जल्दी नोटिस कर लेंगे।
अगर आपने ब्रह्मास्त्र देखी है तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ईशा जानबूझकर शिवा की जिंदगी में आई है। देव ने उसे और जुनून को शिवा की जिंदगी में भेजा है, यानी यहाँ कोई प्यार प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और ही कहानी चल रही है। अब इस अखूटी का राज वाकई भी क्या है, ये तो अगले पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपका इन सब पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वैसे अयान मुखर्जी अक्सर अपने काम से ऑडियंस को चौंकाते रहते हैं और साथ ही एंटरटेन भी करते हैं, लेकिन अब फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग कैसे शुरू होगी, अयान इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। जोश जोश में तो ये कह दिया कि हम किसी से कम नहीं, पर अयान ने दो मास एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है और अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर दोनों फिल्मों को कैसे मैनेज करेंगे। अयान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां एक तरफ खाई है फिल्म वॉर के नाम की, तो दूसरी तरफ कुआं है ब्रह्मास्त्र 2 के नाम का। ये तो तय है कि अयान एक एक करके दोनों जगह गिरेंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑडियंस के लिए भी और खुद अयान के लिए भी, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार अयान दो फिल्मों की शूटिंग एक साथ जो कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मास्त्र माइथोलॉजिकल टॉपिक पर बेस्ड फिल्म थी तो ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी भी ऐसी ही होगी, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस माइथोलॉजिकल दुनिया में एक शैतान ऐसा भी था जिसके पास भी ब्रह्मास्त्र था और वो शैतान था रावण। तो क्या अब मेकर्स रावण को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? दरअसल ब्रह्मास्त्र 2 के मेकर्स रावण के कैरेक्टर के लिए एक्टर अर्जुन रामपाल को कास्ट करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक अलग अंदाज में और उस अंदाज को ऑडियंस पहले ही देख चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म रावण का रावण अब वापस आने वाला है। अब जो भी हो, अगर ये बात सच साबित होती है तो ब्रह्मास्त्र 2 को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, उल्टा ब्रह्मास्त्र 2 का हाइप बढ़ जाएगा। अब लो भाई, एक और बॉलीवुड का बंदर आ गया जो एक्टर टाइगर श्रॉफ की तरह इधर से उधर छलांग लगाना चाहता है, जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक कूदना चाहता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर रणबीर कपूर है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान एक सीन में रणबीर को कहा गया था कि उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाते हुए नीचे उतरना है। ये सुनते ही रणबीर कपूर काफी एक्साइटेड हो गए थे, यहाँ तक कि रणबीर ने डायरेक्टर अयान से ये तक कह दिया था कि उन्हें बिना हार्नेस के ही छलांग लगानी है और वो उसके लिए कुछ दिन प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं। लेकिन अयान ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि आप बंदर नहीं हो रणबीर, जो कुछ दिनों में सीख जाओगे, और तो और मैं बिना हार्नेस के स्टंट की शूटिंग नहीं करूंगा। फिर क्या था, रणबीर कपूर को उनकी बात माननी पड़ी और कूद पड़े बिल्डिंग के ऊपर लेकिन हार्नेस के साथ। फिलहाल अब आप हमें ये बताइए कि आप ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीक्वल में मुस्कुराते रहिए। साल 2022 में डायरेक्टर अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी और उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ VFX के पीसेस पर इस फिल्म ने ढेर सारी तारीफें बटोर ली। वैसे इस लाइन के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मतलब है कि अकेले VFX की वजह से इसके तारीफों के पुल बांधे गए, और दूसरा मतलब है कि सिर्फ VFX ही इसकी तारीफ करने का रीजन था, बाकी चीजों में फिल्म वीक नजर आई थी। अगर बाकी कुछ होता तो फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ से ऊपर होता जो सिर्फ 418 करोड़ हो पाया था। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ा है इस फिल्म ने, इसलिए ब्रह्मास्त्र 2 से उम्मीद लगाई जाती है कि फिल्म 500 नहीं बल्कि 1000 करोड़ की ऊंचाई हासिल करे। वैसे रणबीर कपूर का स्टार पावर ना बॉलीवुड के खान लोगों की तरह है, और उनकी लास्ट फिल्म एनिमल का कलेक्शन देखते हुए तो भाई ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि रणबीर भी 1000 करोड़ क्लब के मालिक बन सकते हैं। उनकी एनिमल तो अब 900 करोड़ पार करने पर तुली हुई है, तो ये काम तो ब्रह्मास्त्र 2 भी कर सकती है ना। बस जो गलतियां ब्रह्मास्त्र में की गई थी वो यहाँ पर नहीं दोहराई जाए, तो जैसे वेल इमोशनली कनेक्टेड स्टोरी, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स और सिटी मार डायलॉग्स। अब 1000 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्में बाहुबली हो या फिर RRR हो या फिर दंगल हो, ये सिर्फ स्टार पावर की वजह से कमाई नहीं कर पाई है बल्कि हैवी कंटेंट की वजह से भी कर पाई है। और एनिमल का सक्सेस देखने के बाद रणबीर कपूर खुद भी इस बात से अग्री करेंगे, क्योंकि एनिमल का कंटेंट भी पावरफुल था और उसे निभाने वाला चेहरा उनका था, जिसे हम सोने पर सुहागा कह सकते हैं।
अब शाहरुख खान की पठान को हम देखें तो स्टार पावर भी था और कंटेंट भी था, ऐसा मेल या फिर संगम फायदेमंद रहता है। अगर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जो कि ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल अपोजिट फिल्म है, वो अगर 1000 करोड़ पार कर गई तो ब्रह्मास्त्र 2 भी ना उम्मीद हमारी जगा देती है। और वैसे भी देखा जाए ना तो ब्रह्मास्त्र सिर्फ अयान के लिए एक टेस्टिंग फिल्म थी, ये देखने के लिए कि इंडियन ऑडियंस को पसंद आती भी है या फिर नहीं। उसमें वो थोड़े से कामयाब हो पाए, पर 400 करोड़ के बाद 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। अब ब्रह्मास्त्र ने ओवरसीज में 14 मिलियन की कमाई की थी, तो इस बार 1000 करोड़ कमाने के लिए उसे 40 मिलियन तक तो जाना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि ओवरसीज में रणबीर कपूर का कितना पावर है। वैसे शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के बाद उन्हें कोई बीट नहीं कर पाया है, पर अगर रणबीर कपूर की एनिमल इसमें कामयाब हुई और उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2, तो डेफिनेटली रणबीर कपूर का सिक्का भारी पड़ेगा। तो फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। अब बॉलीवुड उस दौर में आने लगा है जहां एक फिल्म सुपरहिट होने के बाद सालों साल इंतजार करना पड़ता है अगली सुपरहिट फिल्म का। अगर KGF ब्लॉकबस्टर हिट हुई तो RRR ने आके सबका दिल जीत लिया और अभी उससे राहत मिली थी दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र जैसी बेहतरीन फिल्म ने अपना नाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में लिखवा लिया। अब दोस्तों ब्रह्मास्त्र ने इंडियन सिनेमा को नया रूप देने में रोल प्ले किया है कि हम भी हॉलीवुड लेवल CGI और एनिमेशन काम कर सकते हैं, और दोस्तों यहां से बाकी डायरेक्टर्स को भी ऐसी फिल्म बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। अब ब्रह्मास्त्र Part 1 जहाँ इतना मैसिव हिट हुआ था दोस्तों, तो वहीं इसके Part 2 को लेके भी उतनी ज्यादा हाइप बन चुकी है, और हाइप ऐसी वैसी नहीं है, वो भी फिल्म के विलन को लेके है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। Part 1 के एंड में हम सब ने देखा था कि देव आजाद हो चुका है और अब वो ब्रह्मास्त्र लेने आएगा, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं किया गया था। और दोस्तों यही अयान मुखर्जी कितने स्मार्ट डायरेक्टर्स हैं इसके बात का सबूत है। दोस्तों Part 1 जहां आलिया और रणबीर के दम पे आगे ले जाया गया था, वहीं Part 2 अब देव के दम पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सब फैंस का अब यही सवाल है कि आखिर कौन देव का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। भाई अभी पूरी टीम किसी भी नाम को मीडिया में रिवील नहीं कर रही है, लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो अयान के फेवरेट रणबीर सिंह इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है। जी हाँ, हाल ही में ऋतिक रोशन की बर्थडे पार्टी में रणबीर को स्पॉट किया गया था दोस्तों, जहां पे उनके और Part 2 के बीच में कनेक्शन के ऊपर बात की गई थी। लेकिन दोस्तों इन सब बातों के बीच वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे ही काफी ज्यादा बिजी हैं। अब रणवीर सिंह बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक स्टार्स में से एक है, और अब वो सिंगम अगेन जिसमें रोहित शेट्टी एज डायरेक्टर धमाका करने वाले हैं दोस्तों, उसमें भी नजर आएंगे। और दोस्तों ऐसा वैसा धमाका नहीं होने वाला है, बल्कि सिंगम सिम्बा सूर्यवंशी एक साथ एक स्क्रीन पर आने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों सभी रणवीर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों अगर अगले नाम की बात करें तो ऋतिक रोशन का नाम भी काफी तेज है। अभी सब फैंस अपनी अपनी थ्योरीज इस कैरेक्टर को लेकर बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऋतिक रोशन के नाम को खुद रणबीर कपूर ने बात बात में शेयर करते हुए बताया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों अभी एक मीडिया इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि आपको बहुत जल्द देव के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, लेकिन मेरे सबसे अजीज दोस्त को मैं इसमें देखना जरूर पसंद करूंगा। और दोस्तों पूरे बॉलीवुड में यही कहा जाता है कि उनके सबसे अजीज दोस्त ऋतिक रोशन हैं, और अगर ऋतिक इस फिल्म में होंगे तो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस के कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी ये तो बस आप गिनते जाइए। लेकिन दोस्तों इस कन्फर्मेशन से पहले ऋतिक ऑलरेडी एक बॉम्ब अपने फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी आसमान में। जी हाँ दोस्तों, शायद आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह बात हो रही है फाइटर की, और साथ ही साथ YRF के स्पाई यूनिवर्स को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। वॉर, पठान और टाइगर को एक स्क्रीन पे देखने के लिए इस समय सभी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं अभी प्रताप सिंह। हमारे पुराने सुपर हीरो से क्या ली गई है इंस्पिरेशन, कौन होना चाहिए रियल हीरो, VFX के साथ देव या हमारे क्रिश, क्या रावण था ब्रह्मास्त्र का लाइट वर्जन। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। हमारे बचपन से ही हम सभी ने सुपर हीरो की एक छवि बनाई हुई है हमारे दिमाग में, जिनमें से एक बड़ा नाम शक्तिमान का है। याद रहते हैं वो दिन जब हवा में से उड़ के हमारे हीरोज को हम टेलीविजन पर देखा करते थे। आज के दौर में जब ब्रह्मास्त्र 2 रिलीज होने वाली है दोस्तों, लगता है शक्तिमान जैसा हीरो आज देव जैसे हीरो में अपग्रेड हो गया है। दौर हमेशा बदल जाता है, जो नहीं बदलता वो है ओरिजिनलिटी का असेंस। आने वाले समय भी काफी कुछ नया आएगा और दोस्तों नए एग्जाम्पल सेट करेगा। अब ऐसे में दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी चीजों को अपनाते हैं।
अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने समय के सुपर हीरोज की शक्तियां उनके अंदर के एलिमेंट्स को बेस बनाकर आज के दौर में ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। दोस्तों, जहां शिवा और देव को देखकर हम उन्हें एक हीरो की पोजीशन देते हैं, वहीं आज से सालों पहले बच्चे शक्तिमान को देखकर अपना हीरो से समझते थे। और दोस्तों, इसे नकल करना नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन लेना कहते हैं, क्योंकि आज के दौर में अपने तरीके से चीज़ों को अडाप्ट करा जा रहा है और उनको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है। हमारे बॉलीवुड की बात करी जाए दोस्तों, तो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। आज से पहले भी बिना टेक्नोलॉजी और VFX के काफ़ी ऐसे फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम कृष्ण और रावण का है। दोनों ही फिल्मों में हमें हीरोज़ की एक समझ दी गई है और लोगों के दिलों में उन किरदारों के लिए एक अटैचमेंट भी हुई है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सुपर हीरो का काम और उनका लक्ष्य और उनका अस्तित्व समझ में आया है। दोस्तों, यही अगर ब्रह्मास्त्र को देखा जाए तो उससे भी हमने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझा है, जहां हमारे सुपर हीरो के पास शक्तियां हैं जिसका कुछ कारण है और आने वाले समय में उनका कोई लक्ष्य भी है जो वो पूरा करना चाहते हैं। अब ऐसे में दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि क्या VFX के बिना हमारा कृष हीरो नहीं लगता या VFX के साथ ही देव हीरो है। दोस्तों, विकास और बदलाव ऐसी शर्तें हैं कि जो चाहकर भी बदली नहीं जा सकती। बदलाव आएगा ही और उसको स्वीकार करना हमारा काम है। कृष जब रिलीज हुई थी तब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो उस वक्त के हिसाब से ये फिल्म बहुत बढ़िया थी। आज टॉप टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर है, तो उसके हिसाब से ब्रह्मास्त्र बहुत बढ़िया है। दोस्तों, अब इनमें से किसी एक को प्रभावशाली नहीं कहना गलत होगा। सभी किरदार, सभी फिल्में अपने समय के हिसाब से बहुत अनोखी थी। अब देखना ये होगा कि ब्रह्मास्त्र 2 क्या नया लाती है हम सबके लिए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है रीना। क्या अमिताभ बच्चन है ब्रह्मास्त्र 2 के सबसे खतरनाक विलन? क्यों फैंस को आलिया भट्ट से ज्यादा मौनी रॉय का है इंतजार? क्या कनेक्शन है जुनून और देव का? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। जहां सभी फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 के कैरेक्टर देव के पीछे पड़े हैं दोस्तों, तो वहीं कोई ये नहीं देख रहा फिल्म का असली विलन कौन है। तो वो असली विलन कोई और नहीं बल्कि एक्टर अमिताभ बच्चन होंगे। अमिताभ जी को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ दिखाया गया था और पूरी फिल्म में जिन्हें ब्रह्मास्त्र पाने की सबसे ज्यादा जल्दी थी वो थे अमिताभ जी। यहाँ तक कि अमिताभ जी ने ही एक्टर रणबीर कपूर को यानी शिवा को बताया था कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा कहाँ मिलेगा। वो खुद उस तीसरे हिस्से को पा सकते थे लेकिन वो खुद नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने शिवा को भेजा था। दोस्तों, जब इस थ्योरी के बारे में मेकर्स से पूछा गया था तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप लोग कहाँ से लाते हैं इतनी अच्छी अच्छी थ्योरीज। और तभी मेकर्स ने यह हिंट दिया था कि इससे भी बड़ा सरप्राइज होगा फिल्म में हमारी ऑडियंस के लिए, जो उन्हें पूरी तरह से अमेज करके रख देगा। दोस्तों, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कुछ खास हाईलाइट नहीं किया गया था फिल्म ब्रह्मास्त्र में। यहां तक कि फिल्म ब्रह्मास्त्र में अपनी एक्टिंग से कुछ खास इंप्रेस भी नहीं कर पाई थी आलिया। दोस्तों, जब ऑडियंस ने आलिया को ईशा के कैरेक्टर में देखा था तो सभी को ये लगा था कि अपनी एक्टिंग से आलिया सभी का दिल जीत लेंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जहां मेकर्स को लग रहा था कि ईशा का कैरेक्टर ऑडियंस के दिल को छू जाएगा, वहीं ऑडियंस का ये कहना था कि ईशा ही सारी मुसीबत की जड़ थी, क्योंकि जब तक ईशा शिवा से नहीं मिली थी तब तक शिवा के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन ईशा के आते ही शिवा की मुसीबतें शुरू हो गई थी। तो कुछ ऑडियंस को ये बात खटक रही थी, पर इससे उल्टा उन्हें मौनी रॉय का कैरेक्टर पसंद आया था। इसलिए ऑडियंस ने मेकर्स से कहा है कि प्लीज फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में एक्ट्रेस मौनी रॉय को ज्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ताकि मौनी को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले और एक्सप्रेस करने का मौका भी मिले। वैसे दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र में जुनून ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो देव के लिए लड़ाई कर रहा था और दोस्तों देव के साथ खड़ा था। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जुनून जरूर कुछ ना कुछ लगती होगी देव की, तभी तो दोस्तों वो देव के लिए मरने के लिए भी एकदम तैयार थी। इसलिए मेकर्स से जब देव और जुनून के बीच के कनेक्शन के बारे में पूछा गया था तो मेकर्स ने कुछ खुलकर नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, फिर वो चाहे देव के कैरेक्टर को लेकर हो या देव और जुनून के कनेक्शन को लेकर, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में आराम से मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद मेकर्स ने यह भी बताया था कि अभी बहुत वक्त लगेगा फिल्म आने में, लेकिन अगर फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो वो खुद सामने से ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर है चंदन पंडित। क्या ईशा होगी ब्रह्मास्त्र की मेन विलन? कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी ब्रह्मास्त्र 2 में हमें? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र के एक सीन में ईशा ने अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई है वो सेम रिंग देव के पास थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देव जैसी रिंग ईशा के पास कैसे आई, कहाँ से आई और उसके बाद वो क्या कर रही है? तो ब्रह्मास्त्र में जब ईशा और गुरुजी एक सीन में बात कर रहे हैं तब ईशा के पास देव की रिंग है और गुरुजी के पास एक लाइटर है जो खुद इस्तेमाल करते हैं और शिवा को भी देते हैं।
और ऐसे ही एक सीन में गुरुजी जादू से आग भी जला रहे हैं। इस पर से ऐसा हो सकता है कि पार्ट टू में हमें एक कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाए, जब गुरुजी रघु थे और सभी सदस्यों के साथ काम करते थे। उस समय पर देव बहुत ताकतवर था और वो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्र का उस्ताद भी था। देव को ब्रह्मास्त्र चाहिए था ताकि वो और ताकतवर बन सके। तो ऐसा हो सकता है कि रघु देव से जल रहा हो और उसके मन में लालच आया हो कि वो ब्रह्मास्त्र को अपने कंट्रोल में कर ले और ब्रह्मदेव बन जाए और सबसे शक्तिशाली भी बने। और फिर ब्रह्मास्त्र को लेकर इन दोनों के बीच में एक बड़ी जंग होती है। अमृता इन दोनों के बीच आकर ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है और एक टुकड़ा अपने साथ ले जाती है। देव अमृता से जल अस्त्र छीन लेता है और रघु अपने अस्त्रों की मदद से देव को पत्थर का बना देता है। शायद दोस्तों यही वजह है कि अमृता मठ में नहीं जाती और रघु अमृता का पता कैसे भी लगाता है और वहां पहुंचकर सब कुछ जला देता है। ये एक थ्योरी हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि ईशा के पास आखिर देव की रिंग कैसे आई और उसका देव से क्या कनेक्शन होगा। बात करें मूवी की तो ब्रह्मास्त्र मूवी में इतने सारे कैरेक्टर थे, इतनी सारी कहानियां हैं जिन्होंने इतने सारे प्रश्न हमारे लिए छोड़ दिए और सभी को जानना है कि पार्ट टू में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें देव और अमृता की लव स्टोरी दिखेगी। हमें दिखाया जाएगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे प्यार हुआ और एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या परेशानियां आई थी। इसके साथ ही देव और अमृता के बीच की लड़ाई भी दिखाई जाएगी, क्योंकि जहां प्यार होगा वहां लड़ाई तो होनी ही है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई थी और किस बात को लेकर हुई थी, ये सब भी हमें पार्ट टू के अंदर दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमें गुरुजी का पास्ट या यूं कहूं कि उनका यंग अवतार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनकी डार्क साइड भी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पहले पार्ट में कुछ जगहों पर गुरुजी ने जो एक्सप्रेशन दिए, जो डायलॉग बोले, उसे देखते हुए लगता है कि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ तो ऐसा काम किया है जो उनका पूरा नाम मिट्टी में मिला सकता है। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र में कई जगह पर उनके काम की वजह से दिक्कत भी आई होगी। इसके अलावा हमें ब्रह्मास्त्र 2 में काफी सारे अस्त्र देखने को मिल सकते हैं और काफी सारे अस्त्र जिनके बारे में पार्ट 1 में बताया गया था उनका इस्तेमाल करते हुए कोई नहीं दिखाया गया था, वो भी हमें पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे अस्त्र दिखाए जाएंगे जो अग्नि या जल अस्त्र जैसे ताकतवर तो नहीं होंगे, पर उनका अपना ही एक अलग मकसद होगा। दोस्तों हमें पार्ट 1 के अंदर काफी सारे अस्त्र बच्चों के पास दिखाए गए थे, तो हो सकता है कि पार्ट 2 के अंदर हमें ये देखने को मिले कि वो अस्त्र बच्चों के पास कैसे पहुंचे और उन अस्त्रों की जर्नी भी दिखाई जा सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु। क्यों रणबीर कपूर के कारण देर से होगी ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग? कौन बना डायरेक्टर अयान मुखर्जी का सहारा? क्या आलिया भट्ट ने की फिल्म की कास्टिंग? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियो। रणबीर कपूर सिर्फ ब्रह्मास्त्र फिल्म के लीड हीरो नहीं थे, बल्कि फिल्म के वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी थे और अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद वो सीक्वल के लिए बहुत ज्यादा खुश है। पर अयान मुखर्जी जो ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर हैं, उनकी तैयारियों के बीच अब रणबीर कपूर का ये कहना है कि वो शूटिंग जल्द शुरू नहीं कर सकते। दरअसल रणबीर कपूर की 2023 में बहुत ही जबरदस्त और वायलेंट किस्म के किरदार से सजी फिल्म एनिमल रिलीज होने को है। इस फिल्म के कैरेक्टर को लेकर रणबीर की मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी पर काफी असर हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो एनिमल फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद 5 महीने का ब्रेक लेंगे और फिर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। वैसे तो अयान मुखर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा खींचना अच्छा नहीं है। ब्रह्मास्त्र फिल्म में हर बार की तरह अपनी खूबसूरती और टैलेंट से 4 चांद लगाने वाली आलिया भट्ट कपूर ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर खुश है, पर देखा जाए तो आलिया कास्टिंग में भी शामिल हो रही हैं ऐसा लगता है। अब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने किसकी कास्टिंग की। तो कास्टिंग तो नहीं की, पर ब्रह्मास्त्र 2 में देव और अमृता की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, यानी कि शिवा के माँ बाप और शिवा के कैरेक्टर को निभाया था रणबीर कपूर ने, तो अमृता के कैरेक्टर को कौन निभाएगा? इस चर्चा में शामिल हुई आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया है और कहा है कि वो हर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो एक स्टनिंग लेडी है। भले ही माँ का कैरेक्टर हो, पर वो हर कैरेक्टर में सूट करती है। वैसे भी आलिया और दीपिका रियल लाइफ में भी काफी अच्छी दोस्त है और आलिया भट्ट चाहती है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा बने। मतलब अगर ये दोनों सेट पर एक साथ रही तो काफी मस्ती करेंगी और साथ में रणबीर कपूर तो होंगे ही इन दोनों का प्यार देखने के लिए। ब्रह्मास्त्र फिल्म से प्रोड्यूसर के नाते जुड़े करण जौहर की और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की जोड़ी में बहस हो चुकी है और करण ब्रह्मास्त्र 2 से पीछे हटने वाले हैं और अयान ढूंढने वाले हैं नया प्रोडक्शन हाउस।
ब्रह्मास्त्र फिल्म बिग बजट के साथ बनी थी और ब्रह्मास्त्र 2 और 3 के लिए भी उतने ही दमदार बजट की जरूरत है या उससे भी ज्यादा। तो अयान को ये टेंशन है, पर इसी बीच उनका सहारा बना है डिज्नी ग्रुप। डिज्नी ग्रुप सीक्वल्स का पोटेंशियल देखते हुए फिल्म के बजट में कॉन्ट्रीब्यूट करने का सोच रहा है और ये अयान के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके VFX, एक्शन सीक्वेंसेस एक लेवल अप होने वाले हैं, तो बजट तो भारी होना बहुत जरूरी है। आपका इन सब में क्या कहना है, हमें फटाफट से अपनी राय बताइए कमेंट। सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। देव भी जरूर आएगा अपना ब्रह्मास्त्र लेने। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब हम आराम से ये कह सकते हैं कि इंडिया जीतेगा। वहां पर कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इंडिया हर हाल में सबका बाप जो है। पर अगर बाप और बेटा दोनों ही पावरफुल हो तो कैसे तय करेंगे कि कौन जीतेगा? आप समझ गए होंगे कि हम शिवा और उसके पिता देव की बात कर रहे हैं। शिवा यानी रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र में हमने आग से खेलते हुए देखा था, पर वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहीं VFX के जरिए दिखाया गया देव काफी वॉयलेंट और पावरफुल नजर आया, और एक पॉइंट पर शिवा ने भी देव के जितना पावरफुल अंदाज दिखाया। पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पूरी तरह से देव पर फोकस करने वाली है, क्योंकि इसमें हमें देव की सच्चाई पता चलेगी और उसका सामना शिवा से होते हुए नजर आएगा। अब शिवा जो उसका ही अंश है, उससे लड़ते वक्त वो अनजान होगा कि वो उसका बेटा है या फिर अनजान होते हुए भी वो फाइट करेगा, ये देखना ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर शिवा और देव में जीतेगा कौन, बताओ बताओ? अगर हम कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल का एग्जांपल ले लें तो दोनों ही पावरफुल नजर आते हैं, जिसमें रेड स्कल के बाप कैप्टन अमेरिका के जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा ब्रह्मास्त्र 2 में भी होगा। देखिए, फाइट जितनी तगड़ी होती है उतना देखने में भी मजा आता है, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हीरो विलन से लड़ते वक्त काफी स्ट्रगल करता है तब वो ऑडियंस की नजर में पावरफुल बन जाता है, और वो जितना स्ट्रगल करेगा ऑडियंस की नजर उसी पर रहेगी, और उसके स्ट्रगल को और मुश्किल बनाने के लिए विलन भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शिवा और देव के बीच में महा मुकाबला है, जिसमें कौन किसका बाप बनता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या पता ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते इन्हें अपने बाप बेटे होने का सच पता चल जाए और ये दोनों हाथ मिलाकर उस मास्टरमाइंड से मुकाबला करे। जैसे फिल्म सूर्यवंशम, जिसने सोनी मैक्स पर कब्जा कर लिया है, उसके क्लाइमैक्स में हमने देखा कि कैसे अमिताभ बच्चन जो बाप और बेटे के कैरेक्टर्स में नजर आए वो एक साथ आते हैं और मिलकर दुश्मन को खत्म कर देते हैं। पर अब इसमें देव विलन होगा या हीरो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जहां तक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 इस तरह का टाइटल रखा गया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी विलन पर इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाई जा रही हो। विल, इस पर आपका क्या कहना है? जहां हर कोई रणबीर कपूर की हाल ही पर रिलीज पर मैनुअल की तारीफ और आलोचना करने पर व्यस्त थे, यहां उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो ब्रह्मास्त्र की अगले 2 पार्ट के बारे में अपडेट के लिए सांस रोक कर इंतजार कर रहे हैं। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म ट्रायलॉजी के पार्ट 2 की रिलीज के लिए तैयार है। पहले पार्ट के अपने बेहतरीन कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव ने सितंबर 2023 में अपने रिलीज के 1 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि ये फिल्म 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। आन्या भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन की सह कलाकार इसमें शाहरुख खान भी स्वदेश के मोहन भार्गव के रूप में एक क्यामी भूमिका में दिखाई दिए। अब नवीनतम अपडेट में निर्माताओं ने आखिरकार रणवीर सिंह को इसमें शामिल कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र 2 में शिव, रणबीर कपूर के पिता दीप की भूमिका निभाने की कतार में शामिल हो गए हैं। खैर, रणवीर सिंह द्वारा इस किरदार को निभाने की अटकलें वेब पर फैंस की थ्योरी सामने आने के बाद सुर्खियां बनने लगी है। रणवीर सिंह फिल्म के लिए आखिरकार वोट पर आ गए हैं, क्योंकि फिल्म के 2025 तक रोल पर जाने की उम्मीद है। दोस्तों, रणवीर सिंह को देव की भूमिका निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया है, जो रणवीर का फिल्म में पिता का रोल होने वाला है।
उन्होंने फिल्म साइन कर ली है। हालांकि दूसरे भाग की स्क्रिप्टिंग अभी भी प्रोसेस पर ही है और फिल्म 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल निर्देशक अयान मुखर्जी वॉर टू में व्यस्त है, जबकि रणवीर इस साल बाजू बावरा की शूटिंग करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणवीर 2024 के मिड में संजना भंसाली की बाजू बावरा की शुरुआत करेंगे, जबकि ये निर्णय लिया गया था कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग 2025 की शुरुआत में शुरू होगी। अब ये कहा जा रहा है कि डॉन 3 लगभग उस समय फ्लोर पर जाएगी। पूरी संभावना है कि रणवीर पहले डॉन 3 और फिर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग करेंगे। ब्रह्मास्त्र 2 के अलावा रणवीर सिंह के पास फिल्मों की एक रोमांचक कतार है। एक्टर रोहित शेट्टी की सिंघमगी, संजीरा भंसाली की बैजू बावरा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की डॉन 3 में भी दिखाई देंगे और अब अयान निर्देशित फिल्म में भी वो जुड़ चुके हैं। तो आप रणवीर सिंह को रणबीर कपूर के ऑन स्क्रीन पिता की भूमिका निभाते देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। ऐसे तो फिल्म की कहानी को घुमा फिरा कर दिखाने में मेकर्स एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में मेकर्स ने कहानी को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, जिसमें से एक थी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एंट्री, वो भी रणवीर कपूर की लाइफ में। दोस्तों वैसे ब्रह्मास्त्र 2 में आलिया और दीपिका पादुकोण का कनेक्शन दिखाया जाएगा, जिसमें आलिया के अतीत के बारे में भी दिखाया जाएगा। दोस्तों जिसमें यह भी दिखाया जाएगा कि दीपिका ने ही आलिया को भेजा था शिवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना कौन शिवा की रक्षा करता। दोस्तों यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में जब रणवीर आलिया को दीपिका के बारे में बताते हैं दोस्तों, तो लास्ट में आलिया कहती है कि वो सारी बातें जानती है और समझती भी है। तो ऐसा हो सकता है कि दीपिका और आलिया में जरूर कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो। वैसे दोस्तों फिल्म में क्या कनेक्शन होगा पता नहीं, पर इन दोनों के लाइफ में आर के नाम का कनेक्शन जरूर है। वैसे दोस्तों अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय जुनून के कैरेक्टर में नजर नहीं आती अगर उन्होंने आखिरी गेंद में छक्का नहीं लगाया होता। तो दोस्तों शाहरुख खान के सामने तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, तो मौनी कौन से खेत की मूली है भाई। लेकिन मौनी शाहरुख के सामने नहीं बल्कि अपने क्रश एक्टर रणबीर के सामने कोई भी सीन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर डायरेक्टर अयान मुखर्जी काफी नाराज हुए थे। दोस्तों यहां तक कि उन्होंने मौनी को आखिरी मौका देते हुए कहा था कि अगर मौनी तुमने अच्छे से नहीं किया तो वो हम तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे और शूटिंग पूरी करेंगे। दोस्तों फिर क्या था, इतना सुनते ही मौनी इमोशनल होने के साथ साथ सीरियस भी हो गई और जिसके बाद उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि वहां बैठे सभी लोग मौनी के लिए तालियां बजाने लगे थे। मतलब दोस्तों ब्रह्मास्त्र 2 में इस बच्ची ने अपनी जगह फिक्स कर ली है। पर दोस्तों जहां एक तरफ रणबीर को लेकर मौनी को डांट खानी पड़ी, तो वहीं रणबीर खुलेआम फिल्म के अंदर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आए हैं, वो भी अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ में। हुआ ये था दोस्तों कि जब रणवीर अनाथ आलिया के बच्चों से मिलने गए थे तो आलिया को साथ लेकर गए थे। रणवीर ने सभी के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर परफॉर्म भी किया था और बाद में आलिया भी इस गाने पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। दोस्तों जब इसके बारे में कैटरीना से पूछा गया तो कैटरीना ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं देखी है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि रणवीर ने उस गाने पर अच्छे से परफॉर्म किया होगा और आलिया भी अच्छे से रणवीर का साथ देते हुए नजर आई होंगी। वाह दोस्तों, मतलब ये लोग तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहते और फिल्म देखे बिना ही इन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है। पर दोस्तों जो भी हो, लेकिन ऑडियंस तो फिलहाल इस उम्मीद में बैठी है कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित। सवेरे की रोशनी की तरह रात का अंधेरा भी आता है। अपनी इमेज को सालों साल कायम रखना शायद बहुत मुश्किल साउंड हो, लेकिन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने इस बात को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। अपनी परफॉर्मेंस के दम पे अमिताभ जी आज तक बॉलीवुड में बने हुए हैं और उनके इसी परफॉर्मेंस को नया रूप दिया है अयान मुखर्जी के ब्रह्मास्त्र ने। ब्रह्मास्त्र में अमिताभ जी गुरु अरविंद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और जितना सिंपल आपको इनका कैरेक्टर लग रहा है ये उतना है नहीं। अयान ने पार्ट 1 में बखूबी तौर से उनके कैरेक्टर को डाउन लाइटिंग में रखा है, क्योंकि इस ट्रायलॉजी के ग्रे कैरेक्टर्स में से एक है गुरु अरविंद। जिन्होंने पार्ट 1 में देखा होगा उन्हें पता होगा कि गुरु अरविंद और शिवा के पेरेंट्स एक साथ ही गुरुकुल में थे, सब एक साथ एस्ट्रो की नॉलेज ले रहे थे,
लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि पूरा गुरुकुल खत्म हो गया। जिस तरह से उनके कैरेक्टर को मिस्टीरियस रखने की कोशिश अयान ने की है ना, उसमें वो शायद कामयाबी हो जाते, लेकिन सिनेमा लवर्स के नजरों से वो कहां बच पाएंगे। गुरु अरविंद के कैरेक्टर को लेकर फैंस का ये भी कहना है कि इस फिल्म के सबसे बड़े प्लॉट मेकर वही बन सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया, हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिवा के पेरेंट्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुरु अरविंद ने अपने फायदे के लिए करवाई थी। उन्हें लगने लगा था कि देव काफी खतरनाक होता जा रहा है और देव ब्रह्मास्त्र उनसे पहले हासिल कर लेगा, तो बस फिर किया। ब्रह्मास्त्र और उनके बीच के अड़चन देव को हटाने के लिए उन्होंने देव और अमृता के बीच एक युद्ध करवा दिया जिसमें उनका पूरा गुरुकुल खत्म हो गया। ऐसे में सभी फैंस का यही मानना है कि शिवा के द्वारा भी गुरु अरविंद ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहते थे और शिवा के पेरेंट्स के मरने में भी उन्हीं का हाथ है। ये राज भी अभी तक उन्होंने शिवा से छुपा के रखा है। अब इस बात में कितना दम है ये तो अयान मुखर्जी ही जानते हैं, लेकिन पार्ट टू में इनके कैरेक्टर को कैसा दिखाया जाएगा इस पे सभी की नजरें रहने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या अमिताभ जी खोलने वाले है पार्ट टू में एस्ट्रावर्स के इम्पोर्टेंट राज? हमें क्या अमिताभ बच्चन होंगे फिल्म में? क्या ब्रह्मास्त्र 2 और 3 है डेंजर में? क्या फैंस को नहीं पसंद आया लव एंगल? ब्रह्मास्त्र में गुरुजी यानी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग रहा। फिल्म रिलीज के बाद गुरुजी को लेकर एक नहीं बल्कि दो दो थ्योरी सामने आ रही है, वो भी एक दूसरे के अपोजिट। पहले तो ये कहा जा रहा है कि गुरुजी कोई और नहीं बल्कि शिवा के नाना यानी अमृता के पिता हो सकते हैं जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो विलन भी हो सकते हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि गुरुजी की वजह से ही अमृता और देव अलग हुए और उनके बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई क्योंकि ना तो अमृता को और ना ही देव को ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, गुरुजी ही थे जो उसे पाना चाहते थे। अब जब व्यूअर्स को ब्रह्मास्त्र देखने का मौका मिला है तो उन्होंने फिल्म की स्टोरी और फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया है। लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 एक फैन थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एक प्रीक्वल होने वाला है। इसमें यह दिखाया जाएगा कि आखिर देव कैसे